हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज संजीव पांडे। आप देख रहे हो रीस्टार्ट, और यहां पर गोट सीरीज में हम करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शायद कुछ बच्चों के लिए डिफिकल्ट चैप्टर। तो यानी कि अब यहां पर डिफिकल्ट बोल दिया तो सर पहले ही डिफिकल्ट बोल दिया तो डिफिकल्ट तो होगा ही। मैं आपको ये कह रहा हूं कि लेक्चर के एंड में आपको ईजी लगेगा, ठीक है? तो यस, ये कई बच्चे होते हैं जिनको ये चैप्टर पढ़ने के बाद दे फील कि यार ये बहुत ही घटिया सा चैप्टर है, समझ नहीं आया। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाया जाए तो वो समझ आ जाएगा, और उसकी ये कोशिश हर साल मैं कर रहा होता हूँ। परफेक्ट नहीं, पर ट्राइंग टू इम्प्रूव, ठीक है? तो आइए देखते हैं कि इस कोशिश में आपको तो समझ आ जाएगा, इतनी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इन जनरल कहूँ तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये वायर के अंदर से जो करंट दौड़ता है ये बहुत ही कमाल का और बहुत ही खूबसूरत सा चीज़ है। और इसका मतलब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि लगभग हमको जो भी फॉर्म में एनर्जी चाहिए, हमको अगर लाइट चाहिए तो भी हम इलेक्ट्रिसिटी से कन्वर्ट कर ले रहे हैं, हमको साउंड चाहिए तो भी हम स्पीकर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी से कन्वर्ट कर ले रहे हैं, हमको अगर हीट चाहिए तो भी हम इलेक्ट्रिसिटी से ले आ रहे हैं, हमको ठंडा चाहिए तो भी हम इलेक्ट्रिसिटी से ले आ रहे हैं। मतलब हमारे लग्जरी के लिए जो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी चाहिए हम इलेक्ट्रिक एनर्जी से उसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी एक कमाल का फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारी ज़िंदगी को रोशन कर देता है। तो आइए इसको हम थोड़ा सा गहराई से, थोड़ा सा क्लोजली पढ़ें। और अगर मैं क्लोजली पढ़ें कह रहा हूँ तो यहाँ पर एक ये जो वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर ये वर्ड आ गया इलेक्ट्री या इलेक्ट्रो। तो ये इलेक्ट्रो, ये जो शब्द है ये दर्शाता है चार्ज को। सो इलेक्ट्रिसिटी को मैं अगर स्टडी के फॉर्म में कहूँ तो इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी सर? इलेक्ट्रिसिटी इज स्टडी ऑफ चार्जेस। हम लिखेंगे, हाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी है बाकी हम लिखेंगे। इट इज स्टडी ऑफ चार्जेस। सर इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स भी होते हैं। फिजिक्स में अलग अलग चीज़ें पढ़ते हो तुम, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो, मैग्नेटिज्म होता है तुम, साउंड, अलग अलग फॉर्म मैटर एनर्जी के बारे में पढ़ रहे होते हो, ठीक है? तो ये एक ब्रांच ऑफ समझो फिजिक्स ही हो गया जहाँ पर हम स्टडी ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं सब कुछ, ठीक है? चार्ज के बारे में दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। क्या बात कर रहे हो सर? दो तरीके से कैसे पढ़ा जा सकता है? मतलब आप कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी, दो तरीके से। यस, दो तरीके से। अगर एक चार्ज रेस्ट में है, रुका हुआ है, यहाँ पर चार्ज दिख रहा है तुमको ये, ओ वाह 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 क्या बढ़िया चार्ज है। अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो चार्जेस एट रेस्ट, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है? यहां पर देख लो एक बार। सो व्हेन आई से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो ये कौन सी टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है भाई? चार्ज के बारे में तो पढ़ते हैं पर कैसे? अब ये ग्लास रॉड है और यहां पर ये सिल्क का कपड़ा है, ठीक है? और ये सिल्क का कपड़ा जो है इसके ऊपर जब हम ग्लास रॉड को रब करते हैं, तुमने शायद बचपन में थोड़ा ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बचपन में थोड़ा सा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, ये वही वाला है। अब जब ये रब किया तो ऐसा क्या हुआ कि इनमें चार्जेस डेवलप हो गए भाई, यकीन नहीं यार, दिखाओ। देखो यहाँ पर ये जो सिल्क है ये माइनस चार्ज डेवलप हो गया और ग्लास में हो गया पॉजिटिव चार्ज डेवलप। तो ऐसा क्या हुआ था कि ये चार्ज डेवलप हुआ होगा? वैसे हमको हमारा चैप्टर के अंदर हमको ये वाला टाइप नहीं पढ़ना, हमको दूसरा वाला टाइप पढ़ना है, पर बेसिक तौर पे बता देता हूँ कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बेटा? इट इज स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो मतलब वर्ड से ही समझ जाओ ना कि इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, तो यानी स्टडी ऑफ चार्ज, बराबर ना? और स्टैटिक शब्द का मतलब होता है रेस्ट। सो चार्ज यहां पर लगातार मूव नहीं हो रहे, जहां भी हो गए वहां पर वो एक जगह पे इकट्ठा हो गए। जैसे मान लो एक प्लास्टिक का स्केल लिया हमने, सर पे रब किया तो हमको पता है कि वो पेपर के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है। तो उसको रब करने से क्या हुआ था? रब करने से ये हुआ था कि भैया कुछ चार्जेस हो सकता है कि यहाँ से यहाँ, या फिर हो सकता है कि यहाँ से यहाँ, कुछ चार्जेस जो है वो फ्रिक्शन जो हीट प्रोड्यूस हुई उससे कुछ चार्जेस डिटैच होकर दूसरी बॉडी में गए। जैसे यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हुई उससे
क्या हुआ, कुछ चार्जेस डिटैच। सर यहाँ प्लस कैसे आए, हम माइनस कैसे आए? अरे बड़ा आसान है यार, देखो पहले ग्लास रॉड भी न्यूट्रल था, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, सिल्क भी न्यूट्रल था, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, लेकिन जैसे ही रब हुआ ग्लास सिल्क पर रब किया गया तो ग्लास ने इलेक्ट्रॉन लूज किए सिल्क के ऊपर, ग्लास के इलेक्ट्रॉन सिल्क पे गए और इसलिए सिल्क के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो गए हैं उसका एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया और जितने इलेक्ट्रॉन गए हैं उतना ये पॉजिटिव वॉइड छोड़ के गया, समझ गया ना? अगर मान लो एक एक सोडियम एटम है, सोडियम एटम उसमें 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो प्लस वन चार्ज आता है ना, वैसे ग्लास में से मान लो कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन वहां गए थे तो प्लस 5 चार्ज वैसे कुछ आया होगा, कितना चार्ज कैसे क्या यूनिट क्या होता है वो सब बाद में देखेंगे। फिलहाल ये जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है जहाँ पर चार्जेस एक से दूसरी जगह चले जाते हैं पर वहाँ मूव नहीं करते, वहाँ रेस्ट में रहते हैं, फिर आगे की कहानी क्या होती है वो आगे की चीज़ है, पर दिस इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कभी मेटल वेटल ऐसा कंडक्टर वंडक्टर में देखा नहीं जाता, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमेशा ऐसा नॉन कंडक्टर में देखा जाता है। नॉन कंडक्टर को क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टर को इंसुलेटर कहते हैं, इंसुलेटर। सर इंसुलेटर के बारे में कुछ और बताइए, आगे देखें डेफिनेशन देख लेंगे आगे, टेंशन ना लो। तो ये कहानी है इंसुलेटर की, ग्लास सिल्क वूल ठीक है ऐसी चीजें, प्लास्टिक ऐसी चीजें, ये शो करेगा बिहेवियर। कंडक्टर सर इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्टर का बिहेवियर है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये हमको नहीं पढ़ना है ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रिसिटी हमको 10वीं में नहीं पढ़ना है, हमको कौन सा पढ़ना है, हमको पढ़ना है सर करंट इलेक्ट्रिसिटी। भाई साहब करंट इलेक्ट्रिसिटी का को जब हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट से दिमाग में करंट दौड़ जाता है, करंट का मतलब होता है वैसे मोशन ठीक है, करंट का हम मतलब होता है मोशन। और क्या होगी जी, खुद ब खुद चलने लगते हो। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब तो पता ही है हमको, स्टडी ऑफ चार्जेस। तो व्हाट डू यू मीन बाय करंट इलेक्ट्रिसिटी? इट इज स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। चार्ज जब फ्लो करने लगे लगातार तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर। तो यहां पर थोड़ा सा बेसिक तौर पे अगर देखा जाए तो ये एक एक हमने वायर लिया है, उसमें बल्ब लगा है, सेल लगा हुआ है, और अब क्या होगा कि भैया इसके अंदर करंट दौड़ेगा। जैसे ही इसके अंदर हमने सेल लगा दिया तो भाई सेल में क्या ऐसी चीज होती है वो भी आगे देखेंगे। फिलहाल इसमें कुछ चार्ज जो है वो दौड़ना शुरू कर देगा। चार्ज सर आपने बोला करंट दौड़ेगा, अब बोल रहे हो चार्ज दौड़ेगा, तुम फिलहाल चार्ज ही समझो। करंट क्या होता है? वो मोशन ऑफ चार्ज को ही करंट हम कहते हैं, आगे उसका प्रॉपर डेफिनेशन आएगा। फिलहाल ये चार्ज यहां पर मूव करने लगा तो मूविंग चार्जेस है, मूविंग चार्जेस है मतलब ये कहां पर है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हम सिर्फ ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे होंगे, तो आइए शुरू करते हैं सर स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, यानी ऐसे सर्किट की बात होगी जहां पर वायर में करंट दौड़ेगा, ऐसी चीजों की बात होगी। और इस चैप्टर में असल में देखो फिजिक्स का जब भी तुम कोई चैप्टर पढ़ते हो एक बात याद रखना कि इसमें कुछ और दुनिया फलाना ठिकाना बात नहीं किया जाता, यहां पर सिर्फ एक ही चीज करी जाती है कि हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं उस जो भी टर्म है। जैसे यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी है तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, चार्ज करंट वोल्टेज जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस, ऐसी चीजें पढ़ते हैं ठीक है। तो वो अपन देख रहे होंगे। और उससे पहले एक बात जो मैं बता रहा था कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर्स का खेल है, वैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसका खेल होगा? ये होगा सर खेल कंडक्टर्स का। कंडक्टर्स में सर क्या क्या आते हैं? मेटल्स ले लो सब, जो भी मेटल्स है, मेटल्स के अलावा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस भी होते हैं, नमक का पानी, एसिड या बेस मिलाया हुआ पानी, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस कोई भी हो गए, कुछ डिस्चार्ज गैसेस भी होते हैं जिसके अंदर जिसके थ्रू करंट दौड़ाया जा सकता है ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर सीमित रहेंगे अपने मेटल के वायर तक ही ठीक है, हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे होंगे ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सर स्टार्ट क्या करना है, बस ये दो डेफिनेशन है। कंडक्टर्स क्या होते हैं सर? अभी तो पढ़ा था
ऐसी कोई भी मटेरियल, ऐसा कोई भी मटेरियल जो अपने थ्रू चार्ज को फ्लो होने दे, ठीक है, मटेरियल्स दैट अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम, मटेरियल्स दैट अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम, ये हो जाएंगे कंडक्टर्स, एंड दोज विच डू नॉट अलाउ ये हो जाएंगे इंसुलेटर्स, जो अलाउ करते हैं उसमें वही पड़ा नहीं मेटल वेटल सब आ जाएंगे, जो अलाउ नहीं करते उसमें वही प्लास्टिक, रबर, ग्लूकोज, अल्कोहल, ठीक है। तो भाई देख लो डेफिनेशन, यकीन नहीं हो रहा मेरे भी, यकीन नहीं है। तो कंडक्टर्स आर मटेरियल्स विच अलाउ करंट टू पास थ्रू देम, मटेरियल्स विच अलाउ करंट टू पास थ्रू देम कंडक्टर्स होते हैं सर, एंड इंसुलेटर्स आर मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम, करंट बोलो या चार्ज भी कह सकते हो, ठीक है। जिस मटेरियल से चार्ज इजिली फ्लो हो सकता है वो कंडक्टर, जिससे चार्ज इजिली फ्लो नहीं हो सकता वो इंसुलेटर। और एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये गोल्ड हो गया, ये वाटर हो गया, प्योर वाटर नहीं करता लेकिन ये नॉर्मल टैप वाटर, प्योर डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट कंडक्टर, है ना। कॉपर, कोई भी मेटल ले लो यहाँ पे। इसके अलावा इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये रबर हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया, और क्या है, लकड़ी हो गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भी हो गए ऑफ कोर्स। और सर यहाँ पर आपने जो बोला है, तो हमारे घरों में जो करंट है तो इसलिए हमारे घरों में तो भाई चार्ज फ्लो करता है, तो सिर्फ कंडक्टर का यूज़ होता होगा चार्ज को फ्लो कराना है, तो सिर्फ कंडक्टर का यूज़ होता होगा चार्ज को फ्लो कराने के लिए। यस, वायर के अंदर तो कंडक्टर होता है, पर वायर के अंदर होता है, है ना, कॉपर वायर जाएगा तो अंदर कॉपर, ऊपर प्लास्टिक की इंसुलेशन भी तो होती है। आइए देखो, यकीन नहीं होता, ये देखो, तो इसके अंदर ये वायर है जिसके अंदर से करंट दौड़ता है। अब इसको अगर ध्यान से देखो तो ई जो है, ई कंडक्टर है, सपोज कॉपर वायर है तो कॉपर है ये, लेकिन वो करंट हमको ना मिले भाई, वो करंट बाहर लीक ना होता रहे, उसके लिए उसको कवर करने की जरूरत है, और कवर ऐसी चीज से करना पड़ेगा जो कि इंसुलेटर हो, ठीक है, ऐसी चीज से कवर करना पड़ेगा। तो ये कौन सा प्लास्टिक का कौन सा टाइप होता है जरा बताना कमेंट में, विच टाइप ऑफ प्लास्टिक इज यूज्ड एज इंसुलेटर टू इन इन केस ऑफ वायर, तो वायर में जो प्लास्टिक इंसुलेशन होती है वो किस टाइप की प्लास्टिक होती है, ये आप कमेंट में बता रहे होगे। चले आगे, ला 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 ला। अब यहां पर हमको ये समझना है बाबू, हम मैंने बोला कि चैप्टर के अंदर तो सर हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, करंट के बारे में, ये क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है, थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि भाई क्यों मेटल कंडक्टर है। हम बोलते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पार्थ सर ने पढ़ाया होगा ना वहां पे। तो मेटल्स क्यों गुड कंडक्टर्स है, नॉन मेटल्स क्यों पुअर कंडक्टर्स है, ये बहुत जरूरी है समझना कि मेटल्स, व्हाई मेटल्स, हाउ मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ डोंट नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके लिए पहले एक बात समझनी जरूरी है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए क्या जरूरी है। फॉर एग्जांपल व्हेन आई से कि भैया ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, सपोज मैं कहता हूँ प्लास्टिक नहीं है, मान लो मेटल है, कंडक्ट कर सकता है, तो कंडक्टर बनने के लिए क्या होना जरूरी है। कंडक्टर बनने के लिए तुमको याद होगा कि प्योर वाटर जो है, अच्छा ये बस कंडक्टर की बात नहीं हो रही, ये हम इलेक्ट्रिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो प्योर वाटर कंडक्शन नहीं करता, लेकिन जैसे उसमें आयंस आ जाते हैं, कैटायंस एंड आयन, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, फ्री आयंस, तो कंडक्शन शुरू हो जाता है। तो यानी फ्री पॉजिटिव या नेगेटिव टाइप का पार्टिकल होना जरूरी है, यानी चार्ज, फ्री चार्जेस का होना जरूरी है किसी भी मटेरियल को गुड कंडक्टर कहलाने के लिए। किसी भी मटेरियल को गुड कंडक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कि भैया कुछ नहीं, तेरे अंदर फ्री चार्ज होना चाहिए, बहुत सारे फ्री चार्जेस, सर है ना, बहुत सारा एटम्स है, हर एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा, तो चार्ज तो बहुत है, पर दैट इज नॉट फ्री ना, एटम के अंदर बंधा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन्स और जो भी है, एटम से बाहर निकला हुआ नहीं है, ठीक है। तो जहां पर भी फ्री चार्ज होगा तो इसका मतलब है कि सर आप ये कह रहे हो कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मतलब क्या मेटल्स में फ्री चार्ज कैरियर्स है। यस, होगा, डेफिनेटली होगा। तो पहले कंडक्शन, पहले उसका जो कंडीशन है वो लिख देते हैं कि भाई कोई भी चीज़ गुड कंडक्टर कब कहलाएगी, गुड कंडक्टर तब कहलाएगी जब उसके पास फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे,
चार्ज सिर्फ चार्ज से काम नहीं चलेगा, चार्ज फ्रीली मूव करने वाला टाइप का चार्ज होना चाहिए, इसको हमने टर्म दे दिया फ्री चार्ज कैरियर्स। ठीक है, अब हमको ये सिद्ध करना है कि मेटल और नॉन मेटल में मेटल ही क्यों फ्री चार्ज कैरियर कंटेन करता है, आओ देख लेते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल के एटम्स को पहले देखते हैं। मेटल का एटम जो है ना जनरली थोड़ा सा लार्ज होता है कंपेयर टू नॉन मेटल, देख लो भाई। तो यहां पर मेटल्स का जो एटम है कंपेरेटिवली लार्ज होता है, और लार्ज एटम होने से क्या फायदा होता है सर, बड़ा एटम है ठीक है, क्या फायदा होगा उससे? तो पहले देख लो, ये पॉजिटिव सेंटर यानी कि न्यूक्लियस है, ठीक है, पॉजिटिव होता है ऑफ कोर्स, और उसके अराउंड में क्या है, अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे कि नहीं घूम रहे? यस सर, अब तो घूम रहे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, अब यहां पर ध्यान दो, फिर से मैं आपको अगर बताऊं, इस इलेक्ट्रॉन को, इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को कौन अट्रैक्ट करके रखता है भाई, कौन अट्रैक्ट करके रखता है? ये जो न्यूक्लियस है ये अट्रैक्ट करके रखता है, बराबर ना? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको न्यूक्लियस अट्रैक्ट करके रखता है अपनी तरफ, न्यूक्लियस पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्ट करके रखता है, बांध के रखता है। अब बात ये है कि भाई मान लो कि ये पेरेंट्स हैं और ये बहुत सारे बच्चे हैं, बड़ा परिवार, बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये बहुत सारे बच्चों को पेरेंट्स संभाल रहे हैं, ठीक है, संभाल रहे हैं, एक अभी इसको संभाला उसको संभाला। हो सकता है कि जो बच्चा दूर खेल रहा है वो मैदान से बाहर निकल जाए, देखो, तो क्योंकि एटम बड़ा है, टेक्निकली देखो एटम अगर बड़ा है तो जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, देर आर चांसेस कि वो स्किप आउट हो जाए, स्लिप आउट हो जाए अपने एटम से, और ऐसे इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स क्यों गुड कंडक्टर है सर, अब समझ में आ गया, मेटल इसलिए गुड कंडक्टर है क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, उसके हर एटम में से लगभग एक दो फ्री इलेक्ट्रॉन निकले ही होंगे, जिससे कि अगर लाखों करोड़ों एटम्स है एक वायर के अंदर तो लाखों करोड़ों फ्री चार्ज कैरियर्स वहां पर हो गए, नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो वहां पर अवेलेबल हो गए। और सर क्या ऐसा नॉन मेटल में हो पाएगा? मैंने बोला नॉन मेटल के एटम का साइज क्या है, स्मॉल है कंपेयर टू मेटल्स, नॉन मेटल के एटम का साइज क्या है, स्मॉल है। तो अगर ये स्मॉल एटम है तो सर क्या ये इलेक्ट्रॉन स्किप आउट नहीं करेगा? नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स जो न्यूक्लियस है वो छोटा परिवार, पेरेंट्स अच्छे से बांध पा रहे हैं अपने बच्चों को, ठीक है, और इसके लिए क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन स्किप आउट नहीं हो सकता, सब माँ बाप की नजरों के सामने रहेगा, कोई बाहर नहीं निकल पाएगा। मान लो घर घर में दो ही बच्चे हैं और देखने वाले 50 हैं, दो बच्चों को ध्यान से देख लेंगे, और घर में देखने वाले 50 है, घर में 50,000 बच्चे हैं, चल ऐसा कहाँ होता, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन, मतलब नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलेंगे, और इसका मतलब कि यहां पर ऐसा कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है जैसा कि मेटल से बाहर निकल पाया है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो इट इज बिकॉज ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कि एक वायर के अंदर, सोचो एक पूरा वायर में कितने सारे एटम्स होते हैं, तो कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए एक वायर के अंदर, कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब अपने एटम के शिकंजे से, चंगुल से बाहर निकल आए हैं, तो अगर ये अपने एटम के चंगुल से बाहर निकल आए हैं तो क्या ये फ्री, अच्छा ये समझ में आ गया कि हाँ भाई मेटल्स गुड कंडक्टर क्यों है, ये हमने बता दिया। अब हम आगे की कहानी देख रहे हैं कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, नाउ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन के ऐसे ही एटम के अराउंड में घूमते रहेंगे? नहीं, ऑफ कोर्स वो बाहर निकल गए, वो किधर भी घूमते रहेंगे, ऐसा ल ल ल ल ल ल ल ल, कोई यहाँ जा रहा है, कोई ल ल ल ल ल ल ल ल ल यहाँ जा रहा है, कोई हा हा करके यहाँ जा रहा है। मतलब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनका कोई माई बाप ही नहीं, आप दे आर फ्री टू मूव, ये रैंडम मोशन करेंगे। रैंडम मोशन मतलब क्या, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, दिस इज रैंडम मोशन। तो मेटल के वायर में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल बी डूइंग डिचक 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 डिचक। क्लासरूम से टीचर जाती तो कैसा होता बच्चों का, क्या हाल होता है, ठीक है। अलग अलग किस्म के बच्चे, एक बच्चा जो है वो कहीं नजरे गड़ाए हुए बैठा है, एक बच्चा जो है वो अपने बेंच पे खड़ा हो गया, एक बच्चा जो है जो डब्बा निकाल के खा रहा है, ठीक है, सारा जो व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त कर देता है, ठीक है।
तो ऐसे ही हुआ यहाँ पर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल की वायर में, ऑफकोर्स यहाँ पे एटम्स भी हैं लेकिन अभी एटम के शिकंजे में नहीं है, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग रैंडमली। सर ये रैंडमली मूव कर रहे हैं तो करंट कैसे दौड़ेगा? जी दौड़ेगा, इसके लिए सेल की जरूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं उसको कि वायर के अंदर, मेटल वायर में अगर हम सेल नहीं लगाते तो ये होता है, विदाउट सेल, अगर वायर में सेल नहीं लगाते तो ये होता है। क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, रैंडम मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, बराबर ना। और जब हमने सेल लगा दिया, ठीक है, दिस इज रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। जैसे ही हमने वायर में सेल लगा दिया, सेल में क्या होता है, एक साइड प्लस एक साइड माइनस होता है, अब बताओ क्या होगा? सेल में सर एक साइड प्लस एक साइड माइनस का ऐसा रहता है, सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर हमको नहीं पढ़ना है दसवीं में, बट स्टिल मैं आपको बता दूं, अगर तुमको ड्राई सेल की बात कर रहे हो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ड्राई सेल तो ड्राई सेल में क्या होता है भैया, एक ना केमिकल होता है, क्या होता है, एक रॉड होता है, कार्बन रॉड केमिकल है, एंड दूसरा एक और केमिकल होता है, दिस इज केमिकल वन, दिस इज केमिकल टू, इनके बीच में केमिकल रिएक्शन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन होता है, और रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से जो सारे इलेक्ट्रॉन इस रॉड के सारे इलेक्ट्रॉन चूस लेता है ये जो पाउडर है, तो ये जो साइड है ये नेगेटिव बन जाएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए उसने, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लिया वो साइड क्या बन जाएगा, प्लस, इसलिए सेल में एक साइड प्लस एक साइड माइनस रहता है। तो इट इज़ बेसिकली द रिएक्शन जब तक चल रहा है, जब तक बसंती नाचेगी तब तक क्या है वो बीरू जिंदा रहेगा, ऐसे सब था ना, तो ऐसे जब तक यहाँ पर रिएक्शन चल रहा है यहाँ पर, तब तक ये इलेक्ट्रॉन नाच रहे, रिएक्शन बंद, इलेक्ट्रॉन का ये जो करंट दौड़ाना बंद कर देगा ये, तो रेडॉक्स रिएक्शन खराब हो गया तो सेल खराब हो जाएगा, बराबर ना, खत्म हो जाएगा। ओह, तो यहाँ पर अब एक बात समझो, क्या समझना है सर? सब तो समझा दिया आपने, हाँ समझना है, बिल्कुल है। ऑल राइट, अब जब सेल लगा दिया तो क्या होगा सर? सेल लगा दिया तो ये वाला साइड है प्लस, ये वाला साइड है माइनस, और हमारी टप्पू से ना जो इधर उधर रैंडमली मूव कर रही थी, ठीक है, वो टप्पू सेना इस सोसाइटी के अंदर बड़ी शेर बन रही थी, अब यहां पर क्या हुआ कि अब जो है नाउ दे विल फील दैट रेस्ट्रिक्शन, यहां पर क्या हो गया, थोड़ा सा शासन आ गया, किसका शासन आ गया, वो भीड़े, मास्टर भीड़े, तो अब क्या हो गया कि मास्टर भीड़े ने बोला सब पढ़ाई करेंगे, सब सीधे रास्ते जाएंगे, कोई भी उल्टा रास्ता नहीं जाएगा, तो यहां पर क्या हुआ कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, अच्छा फॉरगेट अबाउट दिस प्लस, ये प्लस तुम बोलोगे सर प्लस कहाँ से आया, तो ये प्लस को मैं हटा देता हूँ, दिस इज, तुम ये मानो कि जस्ट ये एटम्स है, मतलब अगर ये कॉपर का वायर है तो कॉपर के एटम्स है, ठीक है, अगर ये एल्यूमिनियम का वायर है तो एल्यूमिनियम के एटम्स है, मतलब जो भी मेटल से बना हुआ वायर है उस मेटल के एटम्स। सर प्लस क्यों लिखा था लेकिन ये तो बताइए, प्लस इसलिए लिखा था बेटा क्योंकि आपको पता है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं ये उन्हीं न्यूट्रल एटम से निकले हैं, तो न्यूट्रल एटम में से जब फ्री इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो तो कैटायन बन जाता है ना, पॉजिटिव आयन, तो इसलिए प्लस लिखा था, बट कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर लिखने की फिलहाल। तो एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली मूव कर रहे थे, जब सेल लगा दिया क्या होगा, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस सेल है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव साइड क्या करेगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को बोलेगा बेटा, अरे बेटा आ जा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, और ये नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है भैया, लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, चार्ज के बारे में आगे ये भी देख लेंगे, बेसिक तौर पे समझ लो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये जो सेल का पॉजिटिव है ये उसको पुल कर रहा है, और जो नेगेटिव साइड ऑफ द सेल है ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की कहानी कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं बोलना कभी भी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग फ्रॉम वेयर, फ्रॉम माइनस ऑफ द सेल टू प्लस ऑफ द सेल, ठीक है, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, देखो यहां पर ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा सेल के अंदर से, तो भाई प्लस से माइनस, इसके अंदर तो रिएक्शन हो जाता है, खैर वो रिएक्शन वापस से सारे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आ रहे सबको पकड़ के इधर खींच देगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा,
यहाँ से रिपेल किया जाएगा, इधर से अट्रैक्ट किया जाएगा, यहाँ से रिपेल, यहाँ से अट्रैक्ट, एंड दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन फ्लोज। अगर कहीं हवाएं चल रही हैं तो हम बोलते हैं एयर करंट। कहीं समुद्र के तल में पानी का फ्लो है, मतलब सम कहीं अंडर वाटर बहुत पानी तेजी से फ्लो हो रहा है, उसको बोलते हैं अंडर वाटर करंट। वाटर का मोशन हो रहा है ना, वाटर फ्लो है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक करंट कहाँ है? नेगेटिव से पॉजिटिव। सर क्या बात करो, मेरे टीचर ने तो पॉजिटिव से नेगेटिव बताया था, ये इलेक्ट्रॉन का करंट है। बाकी इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट हम टर्म जो यूज़ करते हैं कन्वेंशनली, जो करंट हम टर्म यूज़ करते हैं उसका डायरेक्शन उल्टा दिखाते हैं। क्यों, मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है? तो फिलहाल ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस से प्लस की तरफ। अब डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, नाउ डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, सर ये कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन मतलब क्या बताना चाहते हो आप? मतलब व्हाट इज दैट, मतलब व्हाट इज दैट डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट मतलब क्या? तो एक बात समझ लो कि हर चीज जो है ना अपने हाई लेवल से, जैसे अगर मान लो कोई चीज़ को ऊपर से अगर तुम थ्रो करना चाहते हो, या पानी है, वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो करता है भाई? दिखने का पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? वाटर का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? हाई से लो, ठीक है? अगर दो बॉडीज तुमने आपस में कनेक्ट किए, आपस में दो अलग अलग मान लो मेटल के बॉडीज है, एक का टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एक का टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। कहाँ गया रे? देखो 80 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो यानी ये है हॉट बॉडी और ये है कोल्ड बॉडी। हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? हायर से लोअर में, 80 से 20 वाले में हीट जाएगा। यहाँ पानी भी कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा था? हाई से लो में। हवा भी कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। तो ये हाई से लो हर जगह, हाई से लो, हाई से लो। तो यहाँ पर इसके लिए भी लोगों ने यही सोच लिया था। ये जो इलेक्ट्रॉन की थ्योरी मैंने जो इसके पहले वाली स्लाइड में बताई कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है वायर के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन का थ्योरी बहुत रिसेंट में डिस्कवर्ड है। करंट के बारे में, वायर के अंदर करंट ऐसे, करंट के बारे में तो 600 BC से पता है, चार्ज के बारे में, करंट के बारे में। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि करंट के बारे में पहले से पता है, इलेक्ट्रॉन की थ्योरी पता नहीं थी। तो उस टाइम पे लोगों ने क्या अज्यूम कर लिया, कन्वेंशनली क्या अज्यूम, शुरू से क्या अज्यूम किया जा रहा था कि हर चीज़ अपने हाई से लो में फ्लो करती है। तो करंटवा भी कहाँ से कहाँ फ्लो करता होगा? ये प्लसवा से माइनसवा। तो उस टाइम से करंट के डायरेक्शन को ये अज्यूम किया गया कि अच्छा आई क्या है, करंट का डायरेक्शन का आई इज सिंबल ऑफ करंट, आगे हम वो भी देख रहे होंगे। तो जो कन्वेंशनली करंट का डायरेक्शन लिया गया वो कहाँ से कहाँ दिया गया? प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ दौड़ता है? माइनस से प्लस। तो तुमको पूछे कोई कि हाँ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तुम बोलोगे प्लस से माइनस। बट अगर ये पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर व्हेन सेल इज कनेक्टेड, माइनस से प्लस, ठीक है? तो ये अपोजिट तरह की चीज़ है। करंट का डायरेक्शन हम ये दिखाया करेंगे, प्लस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ऐसे दिखाया करेंगे। हालांकि हमको ये पता है कि भाई करंट आया ही किस वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसको हमने छेड़छाड़ नहीं किया कि हाँ सर इसको उल्टा क्यों नहीं कर दिया, छेड़छाड़ नहीं किया। इसी को हम जो पहले से मानते आ रहे थे कन्वेंशनली, उसी को यूज़ किया गया, एंड इसको बोला गया डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, ठीक है? मतलब ये भी माना जाता है, या इसको, इसकी लॉजिक ये भी दी जाती है, सर तुम लोग सर चेंज क्यों नहीं किया फिर? इसकी लॉजिक ये भी दी जाती है कि अगर हम एक इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज माने, तो अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा तो पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो करता है, ये वाला, ठीक है? आगे चलते हैं। सो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट याद रखें। इसके आगे क्या क्या पढ़ना है सर हमको चैप्टर में, तो बिल्कुल ध्यान से देख लो क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज पढ़नी है, जो मैं कह रहा था तब से कि हमको चार्ज के बारे में पढ़ना है, हमको करंट के बारे में पढ़ना है। चार्ज और करंट तो भाई बहुत ही ईजी, एक जैसे ही टर्म्स होंगे आराम से। उसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज वाली चीज़ पढ़नी है हमको। देन कम्स रेजिस्टेंस, देन कम्स रेजिस्टिविटी, ठीक है? उसके बाद आएगा रेजिस्टेंस और फिर आएगा रेजिस्टिविटी, ठीक है?
और इसके बाद हम पढ़ेंगे भाई कैसे हीटिंग कॉइल में हीट जनरेट किया जाता है और इलेक्ट्रिक पावर जो है उसका उसका भी हम फॉर्मूलाज देख लेंगे। फॉर्मूला काफ़ी सारे आएंगे इसमें, बट मैं आपको एकदम यकीन से कह रहा हूँ कि यू विल लर्न फॉर्मूलाज हियर ओनली। मतलब ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, कंसेप्ट ऐसे देखेंगे कि फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। और सर ये बस इतना ही पढ़ना है चैप्टर में, कमाल है यार इतना सा, एक्चुअल में कम है, मतलब बहुत इजी है। किताबों में तुमको शायद लग रहा हो कि यार इतनी सारी चीज़ें हैं कैसे होगा, बहुत इजी है। और इसके इसी के अंदर, अलग से नहीं, इसी के अंदर हम कुछ अलग लॉज भी देख लेंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लॉज भी यहाँ पर सीख लेंगे। एंड वॉट आर दोज, एक है ओम्स लॉ, एक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और एक है अप्लीकेशन, अप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब लॉ में तो ये दो है, ओम्स लॉ तो आप मान के चलो कि ये पूरे चैप्टर की जान है। पूरे चैप्टर में अगर कुछ पढ़ा है तो ओम्स लॉ सीखा है, जबरदस्त चीज, सारा पूरा चैप्टर रन होता है इस लॉ के ऊपर। ओम्स लॉ है बहुत छोटी सी चीज, जूल्स लॉ, ओम्स लॉ और अप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम ये देखेंगे कि बल्ब कैसे ग्लो करता है, आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन कैसे कपड़ों को प्रेस करता है, मतलब उसके अंदर कैसे मैकेनिज्म होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज का वर्किंग कैसा होता है, ये सब चीज़ें जो है वो देख रहे होंगे। और सो लेट्स कंसंट्रेट ऑन वन बाई वन, हम देखते हैं अब यहाँ पर पहला इलेक्ट्रिक चार्ज, फटाफट से देखो, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं, कौन सा, प्लस यानी माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव। सर पॉजिटिव नेगेटिव, ओके, मैंने अभी क्या बताया था, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ले लिया हमने दो प्लस चार्ज, इनके बीच में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को लात मार के भगाएंगे, दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। सो लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, प्लस के सामने माइनस लाए तो क्या होगा, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, मोहब्बत हो जाएगी इनको आपस में, है ना। ये तो भाई पूरे दुनिया का, पूरे दुनिया जहान का ये ही सिद्धांत है कि लाइक लाइक, अनलाइक अनलाइक, ठीक है। तो सो क्या बोलते हैं, सेम रिपेल करते हैं, अपोजिट। सर कहाँ जा रहे हैं, तो ठीक है ये बात समझ आ गई, ये ऐसे तो समझ में आ जाती है सर, यही तो आता है और क्या। चलो ठीक है, आई होप अभी इसी चैप्टर पे हैं तुम, मतलब अगले चैप्टर में, किसी और चैप्टर में नहीं चले गए। ओके सो चार्ज के बारे में सर इतना ही था, अरे इतना ही था यार, दो टाइप के चार्ज, प्लस माइनस, बच्चे की जान लोगे क्या, इतना ही है। अच्छा चार्ज का यूनिट और सिंबल, तो चार्ज का इलेक्ट्रिक जो इसका सिंबल होता है जो हम यहाँ पर यूज़ किया करेंगे, तो दैट इज़ क्यू, और इसका एसआई यूनिट जो है वो होता है कूलम। लिख दो भैया, भैया आ जाओ। सो सिंबल इज क्यू एंड एसआई इज, एसआई यूनिट इज कूलम, सी। तुम बोलोगे सर सिंबल जो है वो क्यू है, क्यों है, कह सकते हो ना कि सर आपने चार्ज को सी लिख सकते थे, क्यों लिखा, मतलब क्यों, क्यों ऐसा सोचने का, बात नहीं करने का, ऐसा इसको सी लिखता फिर ये सी सब बहुत सारा जिंदगी में ऐसे ही इतने सारे, ठीक है याद रखना बस। सो अगर न्यूमेरिकल में आया कि भाई चार्ज इज इक्वल टू, न्यूमेरिकल में आया कि चार्ज इज इक्वल टू फाइव कूलम, तो चार्ज इज इक्वल टू फाइव कूलम को कैसे लिखोगे, थोड़ा सिस्टम तो पता होना चाहिए, क्यू इज इक्वल टू फाइव सी, ठीक है। अच्छा एक और बात समझ लो अभी चार्ज के बारे में, कि ये जो चार्जेस है ना बेटा, ये चार्जेस इसका एक स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है, एंड व्हाट इज दैट स्मॉलेस्ट वैल्यू, दैट स्मॉलेस्ट वैल्यू इज दैट ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। हमने अभी तो पढ़ा था वो ग्लास रॉड सिल्क वाले में कि भाई इलेक्ट्रॉन ही तो है जो सारा सारा कांडी करता है, कीड़ा कांडी। तो नाइन्थ में पढ़ा तुमने, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, नेगेटिव टाइप का होता है, मैग्नीट्यूड क्या है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। प्रोटॉन का भी सेम ही है ना, प्रोटॉन का सिर्फ अपोजिट टाइप का है,
प्लस और माइनस सिर्फ टाइप है, कोई बड़ा छोटा नहीं है इसमें। प्रोटॉन का भी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। मतलब अगर किसी चीज में अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये चार्ज्ड है, सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, इक्वल टू वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अगर उससे बड़ा चार्ज पॉसिबल है तो कितना पॉसिबल है, दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। उससे बड़ा चार्ज कितना पॉसिबल है, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी 3 × 10⁻¹⁹ कूलम। पहले ये लिख लो, उसके बाद मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देता हूँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, दसवीं में नहीं बोलते इसको, दसवीं में क्वेश्चन देते हैं बस एक। सो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज कितना था, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 10⁻¹⁹ कूलम एंड प्रोटॉन का भी उतना ही है, सिर्फ पॉजिटिव टाइप का है, ठीक है, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। अब हम ना एक एक क्वेश्चनवा देते हैं, मतलब कि बेटा एक बात बतावा, हमने क्या करा, हमने ये कहा कि ये बॉडी में चार्ज है, ठीक है, इसको रब वॉप करके मान लो इसको इसको चार्ज दे दिया गया, इसका टोटल चार्ज है n, मतलब इसमें सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है, ठीक है, और इसका टोटल चार्ज है q, टोटल चार्ज का वैल्यू है q और नंबर ऑफ टोटल चार्जेस है n, एटम के अलावा जो एक्स्ट्रा चार्ज यहां पर है उसकी बात, एक्सेस चार्ज की बात हो रही है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर मान लो मैं स्मॉल e से, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल e, इस वाले को e से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, तो ये बताओ कि क्या कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या, टोटल चार्ज निकालने का कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या? हाँ, एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज को टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो तो q इज इक्वल टू एन ई बन गया फॉर्मूला, सही है। सो q इज इक्वल टू एन ई, ये चैप्टर का पहला फॉर्मूला बना है भाई, बधाई हो, और इसके ऊपर तड़ाक से न्यूमरिकल भी तुरंत तय कर लो कि मान लो ये कहा गया है कि किसी सर्किट में, मुन्ना भाई वाला नहीं, किसी सर्किट में हमने चार्ज दौड़ाया, ठीक है, हमने चार्ज दौड़ाया कितना, q इज इक्वल टू 10 कूलम, 10 कूलम का चार्ज दौड़ाया, सर इलेक्ट्रॉन तो यहां से दौड़ता है, फिलहाल हम करंट के हिसाब से बात कर रहे हैं, सारी कहानी अब भूल जाओगे वो इलेक्ट्रॉन की बात, 10 कूलम का चार्ज दौड़ाया है, और वैसे चार्ज का डायरेक्शन तो नहीं दिखाते बट जनरली आप ऐसे आप बोलो कि भाई इसमें 10 कूलम का चार्ज दौड़ा है एंड आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दौड़े होंगे, किसी सर्किट में 10 कूलम का चार्ज अगर सर्कुलेट हुआ है कितने इलेक्ट्रॉन्स दौड़े हो। अरे यार ये क्या बात हुई सर, ये तो बिल्कुल कैसे, आपको तो ई भी नहीं, अरे ई पता है ना यार, ई की वाला तो फिक्स है ना, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम डाल दो इसमें, दिस इज 10 कूलम इज इक्वल टू एन टाइम्स ई, therefore n is equal to q by e, that is 10 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब क्या बच्चे की जान लोगे क्या, सॉल्व करो सर, ये कैसे सॉल्व होएगा इतना 10⁻⁹, अरे ऊपर जाके +19 हो जाएगा और क्या, तुमको सिर्फ डिवाइड इसको करना है 10 / इतना तो आना चाहिए ना, कर लो यार, मेरे को देख रहे हो, मैं नहीं करने वाला, आंसर कह रहा है बताओ, और तुमने नंबर ऑफ चार्जेस निकाले हैं तो उसमें कोई यूनिट मत डाल देना, जो भी नंबर आएगा वो उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बस, ओके। तो ये फॉर्मूला अपन ने कर लिया, बहुत ही बेसिक था यार, मेरे को लगता नहीं कि तुमको ये रट्टा मारने की जरूरत है, फॉर्मूला होगा q इज इक्वल टू एनी, समझो, समझना जरूरी है बेटा। अब सर हमने चार्ज तो पढ़ लिया भाई, पढ़ो लियो फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज हमने पढ़ लिया, अगला क्या पढ़ेंगे, करेंट, इलेक्ट्रिक करंट। सो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी जरूरी है जिसके बाद आप करंट को सीख पाओगे, एंड दैट इज़ कि भाई टाइप्स ऑफ कनेक्शंस, कोई भी कंपोनेंट को कैसे कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे मान लो बल्ब लिया, ये बल्ब का सिंबल है, ठीक है, तो ये एक बल्ब लिया, ठीक है,
एक बल्ब नहीं लिया सर, मान लो कि इसको हम तो मान लो कि ये एक बल्ब लिया, एक और बल्ब लगाया, एक और बल्ब लगाया, और इसको हमने किससे लगा दिया, इसको हमने सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सेल में ये प्लस होता है या माइनस होता है, ठीक है। तो यहां पर तीन बल्ब जो कनेक्टेड हैं, ये किस तरीके से कनेक्टेड हैं, इस कनेक्शन को बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। कैसे कनेक्टेड है, सीरीज वे में कनेक्टेड है। अगर मैंने तीन बल्ब लिए, क्या लिए, तीन बल्ब लिए और उनको आपस में ऐसे जोड़ दिया, इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं सर, दिस कनेक्शन इज नॉट सीरीज कनेक्शन। ऐसे वाले कनेक्शन को जो दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में किया गया हो, दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में किया गया हो, ऐसे वाले कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन। तो यहां पर तीन बल्ब्स को पैरेलल में लगाया गया है, यहां पर सीरीज में लगाया गया है। इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है, क्या अंतर आता है, मैं आपको थोड़ा सा आगे धीरे धीरे रिवील करता रहूँगा। फिलहाल मैं अगर बोलूँ तो इसमें जो एनर्जी है बल्ब, जो सेल की एनर्जी है, वो क्या हो जाएगी, तीनों में बट जाएगी। इसके लिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ब्राइटनेस जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, डिवाइड हो गई है। यहाँ पर सेल सबको सीधे सीधे डायरेक्ट डायरेक्ट सबसे कनेक्टेड है, ठीक है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फुल वे में बल्ब ग्लो कर रहा हो। बट ठीक है, फिलहाल मैं उसकी बातें नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं दो टाइप के कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, एक सीरीज कनेक्शन, दूसरा क्या है, पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन, ये ध्यान रखो। अब हम सीधे चार्ज हमने पढ़ा है, हम अगली क्वांटिटी क्या पढ़ रहे हैं, करंट। सर इलेक्ट्रिक करंट कमाल है, सर कमाल है सर, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सर, ये तो बताना था आपको, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट वा जो है वो होता है चार्ज जब फ्लो कराएंगे अपन सर्किट में, किसी वायर में जब चार्ज फ्लो करेगा, दौड़ेगा, उसी को करंट कहते हैं। सर ये कोई बात हुई क्या, मतलब हम लिखें कैसे, चार्ज की स्पीड को हम करंट कहते हैं सर। स्पीड अब ये क्या है, नया नया चीज है, स्पीड को क्या लिखते थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो किसी सर्किट में अगर करंट बताना है तो उसको भी टाइम से रिलेट करना पड़ेगा, कितने चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर गए, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम स्पीड था, तो यहां पर क्या होगा, चार्ज पर यूनिट टाइम, समझो इस चीज को, है ना, कितनी तेजी से चार्ज फ्लो कर रहा है वो करंट होता है। तो तेजी से मतलब पर यूनिट टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, फॉर्मूला मिल गया यार, क्या ही बताऊं मैं, ठीक है। तो यहां पर करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस और चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इसका मतलब है, और इसका इसको सिंबल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाबू बाय लेटर आई, इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा सर, फॉर्मूला बनेगा चार्ज पर यूनिट टाइम, सो करंट इज इक्वल टू क्यू बाय टी। वाह सर वाह, आपने तो जबरदस्त तरीके से फॉर्मूला बता दिया, अच्छी बात है। चार्ज जो है उसका ऐसा यूनिट होता है कूलम, तो मान लो ये 1 कूलम ले लिया मैंने। टाइम जो है उसका ऐसा यूनिट होता है सेकंड, तो ये हो गया 1 सेकंड मान लो ले लिया हमने। तो करंट का यूनिट क्या बना, 1 कूलम पर सेकंड। इसी 1 कूलम पर सेकंड को एक नया नाम दिया गया है, दैट इज एम्पियर।
सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड. सर क्या मैं डिफाइन कर सकता हूं 1 एम्पियर को? बिल्कुल कर सकते हो. अपने मन से करो. कैसे करोगे? करो जी. खराश डिफाइन करो. तो सोचो दिमाग में कैसे होएगा 1 एम्पियर. 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज दी व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोस थ्रू अ सर्किट इन 1 सेकेंड. When 1 कूलम्ब, क्या रे बाबा, ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ सर्किट इन 1 सेकेंड, यस सर्कुलेट थ्रू अ सर्किट इन 1 सेकेंड, द करेंट इज सेट टू बी ऑफ 1 एम्पियर. सर्किट की स्पेलिंग SKT मत लिख देना एग्जाम में, ठीक है? आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल, ऐसे शॉर्टकट नहीं मारने का. आई को आई, यू को यू लिख दिया, ऐसे नहीं चलेगा. आई को आई लिखिएगा, यू को यू नहीं लिख सकते, ठीक है? बीच में तो दोनों के बीच में कुछ डाल नहीं सकते ऐसे, ठीक है? तो यहां पर ये हमने 1 एम्पियर को डिफाइन. अच्छा 1 कूलम्ब को भी कर सकते हो ऐसे ही. 1 कूलम्ब को भी कर सकते हो. कैसे करोगे? When one ampere current is passed through a circuit for 1 second. देखो, when 1 ampere of current is passed through a circuit for 1 second, the charge circulated will be of 1 coulomb. The charge circulated will be of 1 coulomb. सही है? बिल्कुल सही है सर. यहाँ तक तो बात समझ आ रही है. अब ये बताइए कि यूनिट लिख दिया, डेफिनेशन लिख दिया, फॉर्मूला भी लिख दिया, सिंबल भी बता दिया, इसमें कुछ बचा है? बिल्कुल बचा है. करंट को मेजर किया जाता है यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड एमीटर. एक साइड प्लस, एक साइड माइनस, ठीक है? करंट की मेजरिंग डिवाइस है. एमीटर सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है. ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. जिस भी बल्ब का या जिस भी डिवाइस का तुमको करंट मेजर करना है उसके साथ में सीरीज में लगा देना है. मतलब क्या? मतलब कि जैसे अगर मान लो कि यहां पे एक बल्ब लगा हुआ है और मैं चाहता हूं कि भाई इसके अंदर कितना करंट दौड़ रहा है ये मैं बताऊं, उसके साथ में सीरीज में यहां पर लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया? एमीटर. और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है ये, अगर गड़बड़ कर दिया तो नंबर कट जाएंगे, वो ये है कि सेल के प्लस के सामने, ये बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं एमीटर का प्लस, और सेल के माइनस के सामने एमीटर का माइनस. मतलब मैं ऑफलाइन में अभी रिसेंटली पढ़ा था एक बच्चे को, तो वहां पर वो बच्चा पढ़ने, मतलब उसका स्कूल में चैप्टर हो चुका था या जहाँ भी उसने पढ़ा था चैप्टर हो चुका था, और ये चीज़ जो है वो उल्टा बता रहा था. तो ये बहुत ध्यान से, इसलिए मैं ऐसे एरो को दिखा रहा हूँ. सेल के प्लस के फेसिंग एमीटर का प्लस, सेल के माइनस को फेसिंग एमीटर का माइनस, ठीक है? और सीरीज में पैरेलल में नहीं लगा, ऐसे नहीं लगाओगे एमीटर को, ठीक है? और एक चीज़ मान लो कि 3 बल्ब लगे हैं, 1, 2, 3, जो आपस में पैरेलल में लगे हैं. ऑलराइट, अब मुझे मेजर करना है करंट B1, B2, B3. मुझे मेजर करना है B1 में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पर मुझे एक एमीटर लगाना पड़ेगा.
मान लो इसको A1 के देता हूं मैं, इधर के लिए एक अलग एमीटर लगाता हूं जो इधर का करंट मेजर करे। जहां भी मेजर करना होगा तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको वहां पर उस कंपोनेंट से सीरीज में एमीटर लगाना पड़ेगा, पड़ेगो सही है। पूरे सर्किट का मेजर करना है यहां लगा दो एमीटर का, क्या दिक्कत है, टोटल करंट मिल जाएगा। तो एमीटर सीरीज में लगाया जाता है ऑलवेज। सर पैरेलल में क्यों नहीं लगाया जाता एमीटर? एमीटर पैरेलल में इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि अभी चैप्टर जब पढ़ोगे तब तुम रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट और वो सब चीज़ें आ रही होंगी, तो अभी फिलहाल जो है उस पर फोकस नहीं करते, हम चलते हैं आगे। ठीक है, अगर मैं तुम पढ़े हो रिवाइज करने के हिसाब से बोल रहे हो तो क्या होता है कि इसमें इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, इसमें बहुत सारा करंट पास होगा और ये जो है डैमेज हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ यहाँ पर एक बात समझ लो कि एमीटर को, सपोज दिस इज एमीटर, और एमीटर जो है भैया बहुत ही प्यारा दिख रहा ना, ध्यान से देख लो इसके इसकी इमेज को, चित्र को ध्यान से देख लो, यही है कनेक्शन के लिए ये यूज़ किया जाएगा। ठीक है, दिस इज एमीटर, करंट मेजर इससे होता है, पर करंट मेजर एक और डिवाइस से होता है, अनदर, देयर इज अनदर डिवाइस जिससे करंट मेजर किया जा सकता है, और उसको भी यहाँ पर चैप्टर में आपको पता होना चाहिए। दैट इज, देखो जी लिखा है यहाँ पर, तो अगर इसका सिंबल ऐसा है तो ये जी, दिस इज गैल्वानोमीटर, इसका सिंबल सेम ही है, बस जी लिखा, सो दिस इज गैल्वानोमीटर। सर ये दोनों ही करंट मेजर करता तो फिर क्यों अलग अलग डिवाइस बनाने की क्या जरूरत थी? दोनों ही करंट मेजर करता है, जरूरत थी मैं आपको बता दो क्यों। आप ये देखो, अच्छा सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात, गैल्वानोमीटर ना बहुत सेंसिटिव छोटे छोटे करंट्स को भी मेजर कर पाता है, हल्के हल्के करंट्स को भी, जो एमीटर डिटेक्ट भी नहीं कर सकता ऐसा गैल्वानोमीटर डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट, पहला बताया मैंने कि सेंसिटिव करंट को मेजर करने के लिए गैल्वानोमीटर का काम आएगा, एमीटर नहीं कर सकता, एमीटर कैन नॉट मेजर सेंसिटिव करंट, गैल्वानोमीटर कैन मेजर सेंसिटिव करंट, डिफरेंस बिटवीन एमीटर गैल्वानोमीटर। और एक बात जो तुम ध्यान से अगर देख रहे हो, तुमने नोटिस किया होगा अगर, कि गैल्वानोमीटर का जीरो देखो कहां पर है और उसका नीडल कहां पर है, एमीटर का जीरो देखो कहां पर है, नीडल कहां पर है, सो दिस इज दिस जीरो मार्किंग, दिस इज दिस जीरो मार्किंग, मतलब एमीटर सिर्फ राइट साइड में डिफ्लेक्ट कर सकता है, जबकि गैल्वानोमीटर लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों साइड डिफ्लेक्ट कर सकता है। सो इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर करंट ये डायरेक्शन में है तो गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन इधर होगा, अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो डिफ्लेक्शन इधर होगा, दोनों साइड में रीडिंग्स है, तो गैल्वानोमीटर कैन ऑल्सो गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट, वेर एज एमीटर कैन नॉट प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर जो भी है, इस तरह थोड़ा डिफ्लेक्ट हो सकता है। सो यहाँ पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें गैल्वानोमीटर की, इट कैन मेजर सेंसिटिव करेंट्स एज वेल, एंड इट इज ऑलवेज शोन, इट ऑल्सो शोज अ डायरेक्शन इन विच करेंट इज फ्लोइंग। और गैल्वानोमीटर को भी कैसे कनेक्ट किया जाता है? गैल्वानोमीटर को भी सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, इसको भी सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं। आगे चलते हैं, एक न्यूमेरिकल आ रहा है भैया, आई होप ये वाला क्लियर है, एक न्यूमेरिकल आ रहा है, आ तो नहीं रहा, हमको ही देना पड़ेगा। सो चैप्टर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, क्या है वो, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब उससे पहले भी एक और पढ़ा है, पर अभी क्या पढ़ा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, कैलक्यूलेट the amount of charge circulated if 9 ampere current is flown
इन अ सर्किट फॉर 10 seconds. सर बड़ा मुश्किल है, ये तो बड़ा ही मुश्किल है सर, तो बिल्कुल नहीं आएगा हमको तो. अरे बड़ा आसान तो है भैया, I इज इक्वल टू क्यू भैया टी, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी, तो I है कितना 9. I कितना है भैया, I है 9 एंड T कितना है 10, है ना, सेकेंड्स में ही दिया है. कितना हो गया 90 कूलम चार्ज, Q इज इक्वल टू 90 कूलम. क्या बात है भैया, तालियां. तो इतना आसान सवाल देते हो आप, बाद में टेक्स्ट बुक में खतरनाक सवाल होता, खतरनाक नहीं होता. इस चैप्टर के सवाल हम आगे भी न्यूमेरिकल में करते रहेंगे, अलग से करते रहेंगे. और उसके अलावा चैनल के ऊपर हमारे एडी मंत्रा चैनल पे आप चेक करोगे, बहुत सवाल न्यूमेरिकल करे हुए हैं. सिर्फ आपको सर्च करना है इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल एंड यू विल गेट. ठीक है, चलो जबरदस्त सवाल, मतलब हम कॉम्पिटेंसी लेवल का जबरदस्त क्वेश्चन, सीरीज का भी नाम रखे थे जबरदस्त सीरीज. कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. अब देखो, तुमने चार्ज पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया, वोल्टेज नहीं पढ़ा है. वोल्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी बड़ा कठिन लग रहा है वर्ड, उसको भी डिकोड करते हैं. मान लो कि अब थोड़ा सा करंट वाली दुनिया से बाहर आओ, अब इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया से एकदम बाहर आ जाओ, और एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, थोड़ा अलग सा, दो टंकियां हैं, तूने मारी टंकियां, पानी भरी टंकियां, टंक 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 टंक, दो टंकियां हैं. ठीक है, इस टंकी से पानी पी लेते पहले. बढ़िया, अब इस टंकी की बात करें, दोनों साइड में मान लो टैंक ए टैंक बी पानी जो है भरा हुआ है, क्या कहीं से कहीं पे पानी नेट मैनर में फ्लो हो पाएगा क्या? मतलब क्या ऐसा होगा कि यहां से पानी इधर आएगा, आ रहा है, और ये भर बढ़ गया और ये कम हो, ऐसा नहीं होगा. तो इस पाइप के ऊपर फोकस करो. ये पाइप जो है ये एक वायर को दर्शा रहा है, और उसके अंदर से पानी जो है वो इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है. मान लो ऐसे एज्यूम कर लो, क्या इसमें पानी यहां से यहां कंटिन्यू फ्लो हो रहा है क्या? नेट मैनर में नहीं फ्लो हो रहा. क्यों नहीं हो रहा सर? क्यों नहीं वाटर यहां पर मूव कर रहा, वाटर करंट क्यों नहीं आ रहा इसमें? कारण ये है कि ये दोनों साइड में, दोनों टंकियों में अगर मैं लेवल चेक करूं, इसका लेवल इधर, इसका लेवल इधर, दोनों का लेवल तो सेम है सर. जब दोनों का लेवल सेम है तो इसलिए तो पानी फ्लो नहीं हो रहा, बिकॉज इक्वल पोटेंशियल है, इक्वल पोटेंशियल या इक्वल लेवल, दोनों साइड में लेवल सेम है, इक्वल पोटेंशियल्स है, तो पानी कहीं से कहीं में फ्लो नहीं होगा. पानी कब फ्लो होता सर? पानी तब फ्लो होता, देख लो दूसरा केस, पानी तब फ्लो होता जब एक तरफ, वाह वाह वाह, एक तरफ हाई एक तरफ लो. क्या बात है भाई. सो दिस इज हाई, दिस इज लो, तो दिस इज एट हाई लेवल या हाई पोटेंशियल एंड दिस इज एट लो पोटेंशियल. इनके बीच में जो डिफरेंस है, इसी वजह से तो ये फ्लो हो पा रहा है. इनके बीच में जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस कैन बी कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. इस डिफरेंस को क्या कह सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस. क्या बात है सर. तो ये मतलब पानी और करंट का क्या वास्ता है? सिर्फ एनालॉजी देख रहे हैं, अभी हम करंट पे आएंगे, वायर वाले पे आएंगे. तो फिलहाल अगर ऐसा है तो पानी डेफिनेटली थोड़ी देर में, मतलब थोड़ी देर में क्या, पानी तो कंटिन्यूस फ्लो कर रही है. ठीक है, तो पानी जो है वो फ्लो करेगी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. कब तक फ्लो करती रहेगी? जब तक दोनों का लेवल क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए. ठीक है, तो यू कैन सी कि भैया ये वाटर के करंट के लिए, वाटर के मोशन के लिए, वाटर का मोशन इज वाटर करंट,
यहाँ पर इस पाइप के अंदर वाटर का फ्लो के लिए बहुत ज़रूरी था कि उसका एक साइड हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड हो और दूसरा साइड लो पोटेंशियल से कनेक्टेड हो। इस पाइप पे फोकस करो, उसके दोनों साइड में पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो फ्लो नहीं करता ये वाटर का करंट। वैसे ही किसी वायर में करंट को अगर दौड़ाना है, अगर चार्जेस को फ्लो कराना है, तो वहाँ पर भी क्या होना ज़रूरी है, वहाँ पर भी उसके दोनों एंड में पोटेंशियल का अंतर होना चाहिए, एक तरफ हाई पोटेंशियल एक तरफ लो पोटेंशियल। जैसे यहाँ पर एक तरफ ज़्यादा पानी एक तरफ कम पानी, वैसे ही वायर के लिए क्या चाहिए, एक तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक तरफ कम इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो कर पाएगा, फ्रॉम ज़्यादा टू कम, सही है ना। तो ऐसा टंकी लगाना पड़ेगा कि नहीं, जो हम सेल लगाते हैं ये वो टंकी की तरह काम कर रहा है। सेल में जो सेल के जो दो हिस्से हैं, जो एक प्लस है और एक माइनस है, तो जो प्लस है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए वो प्लस है, और जो माइनस है वो माइनस इसलिए क्योंकि भरपूर इलेक्ट्रॉन्स है, सारे इलेक्ट्रॉन माइनस ही तो होता है, माइनस माइनस पर गुच्छा है माइनस के साइड में। तो जो जैसे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स क्या था, यहाँ पर ये टंकी थी, वैसे हमारे केस में इलेक्ट्रिसिटी वाले केस में पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स क्या रहेगा सर, इलेक्ट्रिसिटी वाले केस में पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स होगा हमारा सेल या बैटरी। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, तो इट कैन बी अ सेल, अ बैटरी, अ जनरेटर, अ डायनेमो, ठीक है। सॉरी सर, पढ़ना है क्या जनरेटर डायनेमो, नहीं, सेल और बैटरी पढ़ना तो हमको वो भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये दीज आर दी सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, पोटेंशियल डिफरेंस वायर में क्रिएट करने के लिए तुमको सेल या बैटरी की जरूरत पड़ती है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्या, एक तरफ हाई पोटेंशियल एक तरफ लो पोटेंशियल, जैसे यहाँ पर पानी फ्लो कर रहा है फ्रॉम हाई टू लो, वैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन रिच एरिया से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एरिया में फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखो यहाँ पर असल में हुआ क्या है, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। अभी मेरे को ना पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन चाहिए, एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू दैट पॉइंट जहाँ से हम उसको डिफाइन कर सकें। सेल में क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर सकता है, थोड़ा सा आप समझो, जब यहाँ वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ वाटर मूव कर रहा है, मतलब आप ये समझो कि वाटर मूव कर रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी है। तो ये एनर्जी आई कहाँ से, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है जो वो वर्क कर पा रहा है वाटर को डिस्प्लेस करने का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगता नहीं तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से होता, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर पानी को फ्लो कराने का वर्क कौन कर पा रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज काइंड ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाह 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 वाह, इट इज काइंड ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, पोटेंशियल पढ़ा ना, स्टोर्ड एनर्जी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये उन्हीं स्टोर्ड एनर्जी का डिफरेंस, उससे जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। सर फिर से आते हैं, आप थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा वापस से आते हैं नॉर्मल। मेरे को पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज पढ़ना है, तो क्या होना चाहिए, सेल के अंदर क्या है, एनर्जी है। सेल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी है उसके अंदर। सेल के अंदर केमिकल एनर्जी है, तो वो केमिकल एनर्जी से करता क्या है सेल, अरे वही तो करता ना, इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने वाला काम करता है सेल। इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो खर्च करता है, सो इट इज डूइंग दैट वर्क। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो, अब मैं कह रहा हूँ उसका यूनिट होता है वोल्ट। तो मान लो एक सेल है, जो मेरे पास एक सेल है, मान लो ये वो सेल है, क्या है, अल्ट्रा जीपी जो भी है, तो इसका वोल्टेज पे लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो 1.5 वोल्ट का ये सेल है, ठीक है, तो ये करता क्या होगा, इसके अंदर केमिकल एनर्जी है जिसकी वजह से ये, अगर वायर लगा दिया जाए, सर्किट बना दिया जाए, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है वो दौड़ेगा, इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करेगा, करंट यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा,
तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन चार्ज को दौड़ाने के लिए काम कर रहा है, चार्ज को दौड़ाने के लिए काम कर रहा है, मतलब ये वर्क कर रहा है, काम कर रहा है मतलब क्या, वर्क कर रहा है. सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बीइंग यूज्ड इनटू डूइंग वर्क, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मैं क्या बोलूंगा, इट इज वर्क डन. डायरेक्टली मैं क्या बोल दूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन. सर कितना, मान लो कि मैं दो सेल ले रहा हूं, ठीक है, ये एक सेल है 1.5 वोल्ट का और एक और सेल है मान लो ये 5 वोल्ट का, ये 1.5 है और ये 5 वोल्ट है, ये बड़ा सेल है. तो ये छोटा सेल और बड़ा सेल में क्या डिफरेंस है? सर ये 1.5 जूल का वर्क कर पाएगा और ये 5 जूल का वर्क कर पाएगा. किसके ऊपर? चार्ज का, चार्ज के ऊपर कर पाएगा ऑफ कोर्स, पर कितने चार्ज के ऊपर? तो वो डिफाइन, वो सेट करना जरूरी है कि 1 कूलम चार्ज पर कूलम चार्ज पर यूनिट चार्ज, ठीक है, 1 कूलम चार्ज पे ये 1.5 वोल्ट का, 1.5 जूल का वर्क कर पाएगा. सो दिस इज 1.5 वोल्ट, इसका मतलब है 1.5 जूल का वर्क कर पाता है 1 कूलम चार्ज पे. और ये 5 वोल्ट बोल रहा हूं, ये 5 जूल का वर्क कर पाता है 1 कूलम चार्ज पे. आई होप दिस इज क्लियर नाउ, ठीक है. इससे मैं तुमको इनडायरेक्टली मैं तुमको डेफिनेशन तक लेके आ गया हूं, पता है. तो पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट, पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट इट इज वर्क डन. पोटेंशियल डिफरेंस को वैसे वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेट मी चेंज दैट. पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट इट इज वर्क डन, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू. मैंने क्या बोला, 5 कूलम 10 कूलम नहीं, पर यूनिट चार्ज. पर यूनिट मतलब क्या, डिवाइड बाय क्यू. अगर तुम्हारे पास 5 कूलम चार्ज पे वर्क पता है कि इसके ऊपर वर्क होता है 25 जूल का, तो क्या ये 25 जूल हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हुआ? नहीं. 1 कूलम पे कितना करता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 25/5, कितना हुआ, 5 जूल. तो ये 5 जूल ऑफ वर्क इज डन पर कूलम, और ये जूल पर कूलम ही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, 1 कूलम चार्ज पे कितना काम हो रहा है, ठीक है. वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है. अब इसको अगर मेरे को 1 वोल्ट डिफाइन करना हो तो, अच्छा मैं इसका लिख दूं, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल, सिंबल है वी, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी, SI यूनिट भी क्या है, वोल्ट, तो उसको भी वी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर हमने निकाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया इस वाले में, 5 वोल्ट आया, लिखूंगा वी इज इक्वल टू 5 वोल्ट. ठीक है. सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू. तो यहां पर अगर वर्क हमारा 1 जूल का हो और चार्ज हमारा 1 कूलम का हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट का. पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट का. बस इसको इंग्लिश में बोल दोगे तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन हो गया. डिफाइन 1 वोल्ट. 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज व्हाट? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन अ सर्किट टू सर्कुलेट 1 कूलम चार्ज. When 1 joule of work is done in a circuit to circulate, 1 joule of work is done by the cell या by the source in a circuit to circulate 1 coulomb charge. The potential difference of
सोर्स यानी वही जो सेल या बैटरी होगा, इज सेट टू बी ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है 1 वोल्ट। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को सर किससे मेजर करते हैं, इसका मेजरिंग डिवाइस है क्या कुछ? ऑफ कोर्स है, मेजरिंग डिवाइस है वोल्ट मीटर। और कैसे रिप्रेजेंट करते होंगे? नो डाउट, गोले में वी, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड। एमीटर सीरीज में लगता था, ये लगता है पैरेलल में, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल फॉर्म, ठीक है। तो पैरेलल फॉर्म यानी कैसे हुआ, देखो ये मान लो ये वोल्ट मीटर है, तो यहां पर हमने ले लिया एक बढ़िया सी सर्किट, बल्ब लगा हुआ है, एक और बल्ब लगा ले, सीरीज में लगा दिया हमने, ओके एक और बल्ब ले लिया अपने सीरीज में। अब मुझे निकालना है कि भैया इसका टोटल वोल्टेज, मान लो टोटल वोल्टेज है 10 वोल्ट मान लो, पर 10 वोल्ट में से ये कितना कंज्यूम कर रहा है और इसके ये कितना यूज़ कर पा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमको भाई पैरेलल में जहाँ भी हमको वोल्टेज चेक करना है उस डिवाइस से, पैरेलल में हमको कनेक्ट करना पड़ेगा वोल्ट मीटर को। तो जैसे यहाँ का चेक करना है तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा, इधर का चेक करना है तो इधर लगाना पड़ेगा, टोटल चेक करना है तो टोटल ये दो पॉइंट्स के बीच में लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी ये याद रखें, सेल के प्लस के सामने वोल्ट मीटर का प्लस, सेल के माइनस सामने मीटर का माइनस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन, यस और नो बताते रहे। माइक से आवाज जा रही है? यस जा रही है। और आगे चलते हैं सर, हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ लिया यार, कमाल है, हमने मजाक मजाक में चार्ज पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया। क्या हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को रिलेट करने वाले हैं? बिल्कुल करने वाले हैं, उसके बिना काम कैसे चलेगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस को हम करंट से रिलेट करेंगे, एंड नाउ जस्ट सी कैसे होगा। कि भाई सीधी बात है ना, उस टंकी वाले पानी के एग्जांपल में मान लो इतना डिफरेंस था पानी का, तो यहाँ से यहाँ पानी जा रहा था। अगर ये डिफरेंस ज़्यादा होता, अगर ये पानी एक टंकी में इतना ज़्यादा होता, इसमें इतना कम, तो जितना ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतना पानी ज़्यादा स्पीड में फ्लो करेगा। जितना पोटेंशियल का डिफरेंस ज़्यादा है उतना करंट ज़्यादा हो, और यही है ओम्स लॉ। आइए देखते हैं, थोड़ा सा बेसिक बता दिए हैं तुमको। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन हुआ, एक कोई ले लो, एक कोई क्वेश्चन ले लें। मान लो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क अरे आज बोर्ड बहुत दिक्कत दे रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन to transfer टेन कूलम चार्ज from point of पोटेंशियल 5 वोल्ट टू अनदर पॉइंट ऑफ पोटेंशियल एट 15 वोल्ट। मतलब समझ लो, मतलब ये बोला है कि एक पॉइंट जिसका पोटेंशियल है 5 वोल्ट का, मान लो इस पॉइंट को P1 कह दिया, यहाँ से एक चार्ज को लेके जाना है, ठीक है, यहाँ से एक चार्ज को
लेके जाना है एक दूसरी पॉइंट पे जहाँ का पोटेंशियल है 15 वोल्ट। मान लो ये V1 कह दिया मैंने, V1 5 वोल्ट है, ये दूसरा पॉइंट है मान लो P2, इधर का वोल्टेज है 15 वोल्ट, चार्ज कितना है, क्यू की वैल्यू कितनी है 10 कूलम की। यहाँ पर हमको वर्क निकालने को कहा गया है। सर ये तो कुछ अलग ही भलता चीज़ हो गया यार, हमने तो ये पढ़ा था कि V इज इक्वल टू W/Q, अब आप ये क्या दे दिए हो, वर्क निकालना है इसको यहाँ कर लो। सो W इज इक्वल टू VQ बराबर है, V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है तुम्हारी, डिफरेंस देख लो, फाइनल माइनस इनिशियल, 15 माइनस 5 इंटू चार्ज की वैल्यू कितनी है, चार्ज की वैल्यू है 10, तो ये हो गया 10 × 10, यानी कि वर्क कितना हो गया 100 जूल, वर्क बराबर 100 जूल। ये आ गया तुम्हारा ऑलराइट, यहां तक ठीक है, क्लियर है? कमेंट में अभी कमेंट करके बताओ, जितने बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया कमेंट करके बताएंगे। अभी मैंने क्या बोला, नाउ विल गो टू, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना तेजी से क्या करेगा, करंट फ्लो कर पाएगा, यानी V ज्यादा I ज्यादा। आ जाओ उसको देखते हैं, V कम I कम। तो करंट डिपेंड्स ऑन व्हाट, करंट डिपेंड्स ऑन ऑफकोर्स वोल्टेज। कैसे होगा देखो, जैसे मान लो कि ये वायर लिया मैंने, वायर को ऐसे ही जोड़ दिया, कुछ सेल बिल नहीं लगा, इसे दोनों एंड को जोड़ दिया, मान लो यहां पे जॉइंट मारी, क्या ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें दौड़ पाएगा, यहां से ऐसे सर्कुलेट कर पाएगा? नहीं, वो रैंडम मोशन करेगा ना, वो सिर्फ ऐसे ऐसे जगह पे वो इधर उधर मूव कर रहा होगा। यानी यहां पे वोल्टेज 0 रखा मैंने तो करंट भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, वोल्टेज ही नहीं है तो क्या आएगा, करंट, सीधी बात। एक और सर्किट, अब यहां पर सेल आ गया है भाई, वोल्टेज आ गया है, प्लस माइनस दिख रहा है तुमको वायर के अक्रॉस में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, ये जो इलेक्ट्रॉन है, जस्ट सी दिस, करंट आ गया ना, तो वोल्टेज मान लो 3 वोल्ट है, जो भी करंट आएगा, मेरे को अभी कैलकुलेट थोड़ी कर पाया, ऐसे थोड़ी कैलकुलेट कर पाए, यू डोंट हैव, अब इनका रिलेशन थोड़ी पता है। वोल्टेज 3 वोल्ट, मान लो करंट चालू हो गया इधर, अब मैं वोल्टेज बढ़ा देता हूँ, टेक अस अनदर एग्जाम्पल, जहाँ पे हमने क्या कर दिया, देखो 3 सेल लगा दिया, वोल्टेज बढ़ गया। अब जैसे ही वोल्टेज बढ़ गया, क्या ये इलेक्ट्रॉन तेजी से नहीं दौड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं, जो भी चार्ज हम कह देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो माइनस से प्लस में होता है वैसे, क्या ये तेजी से नहीं दौड़ेगा? इससे क्या पता चल रहा है, जब वोल्टेज 0 था करंट 0, जब वोल्टेज कम था करंट कम, जब वोल्टेज ज्यादा है तो करंट भी क्या है, व्हेन द वोल्टेज इज ज्यादा करंट इज ज्यादा, एंड व्हेन द वोल्टेज इज आधा करंट इज ऑल्सो आधा। जिससे हमको ये पता चल रहा है कि भाई जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, करंट बढ़ता है, वोल्टेज कम होता है करंट भी क्या करता है, कम हो जाता है। इसको मैथ में लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली साइन लगा के, ठीक है, और यही बनाता है तुम्हारा ओम्स लॉ। दिस इज नथिंग बट, इतना छोटा इतना चिंदी सा है, बड़ा काम की चीज है, बट ओम्स लॉ, ठीक है। तो क्या बताया मैंने यहां पर, वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, वी इंक्रीजेस आई इंक्रीजेस, वी डिक्रीजेस आई डिक्रीजेस, ठीक है। तो यहां पर मतलब वी एंड आई, ठीक है, जितना वी का इफेक्ट रहेगा उतना आई इंक्रीज होगा, जितना वी का इफेक्ट कम रहेगा उतना आई डिक्रीज होगा, इसलिए वीडियो को इफेक्ट को बढ़ाओ, ठीक है। तो यहां पर ओम्स लॉ की अगर हम बात करें, तो यहां पर हम एक बहुत ही सिंपल सी बात क्या समझ पाए हैं, कि मान लो यहां पर मैं इसको बोलता हूं, एक ग्राफ बना लेता हूं कि भाई वी और आई को
हमने क्या करा, जब V जीरो रखा, IB जीरो था, यहाँ पे मान लो V1 I1 कहता हूँ, तो when this is 3, तो ये मान लो हो गया 2, मान लो जब ये हुआ 4.5, तो ये बढ़ के हो गया मान लो 3, तो इस हिसाब से जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है। अब इसी का मैं जब ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, पहले वाले पॉइंट का इधर आएगा, दूसरे वाले पॉइंट का मान लो इधर आया, है ना, फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का, थर्ड वाले का, तो ऐसे करते करते जब हम देख रहे हैं तो हमको ये पता चल रहा है कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, वी कैन फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब होता है तो मैथ के हिसाब से स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आती है। तो ये ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन मैंने तुमको एक तरीके से बता दिया कि जब एक सेल रखा तो वी वन आई वन, दूसरा सेल रखा तो वी टू आई टू, मतलब दो सेल ऐड हो गए, जब टोटल तीन सेल हो गए तो वी थ्री आई थ्री, और जब इनका ग्राफ ड्रॉ किया तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस वेरीफाइज ओम्स लॉ। सर ओम्स लॉ तो बताया नहीं आपने, सिर्फ यहाँ ये लिख दिया, थोड़ी स्टेटमेंट क्या है इसका, यही स्टेटमेंट है यार। इसमें बस खाली क्या करना है आपको, दूसरी चीज़ें चेंज नहीं करनी कि भाई वायर बदल दिया आपने या सेल दूसरी कंपनी का ले लिया, ऐसा नहीं करना है, ना ही उसका अराउंड आसपास का टेम्परेचर बदलना है, आपको फिजिकल कंडीशन सेम रखनी है, सर्किट के आसपास की फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं करनी, सर्किट या उसके बाहर की। सो लॉन्ग एज अ फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू करेंट, यही ओम्स लॉ, यकीन नहीं यार। सो लॉन्ग एज अ फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम, सर मिटा दो इसको भी मिटा दो, सारा ही मिटा दो। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हो गए भैया, ये कभी भूलना नहीं। सो लॉन्ग एज अ सर्किट एज अ फिजिकल फिजिकल कंडीशन, सो लॉन्ग एज अ फिजिकल कंडीशन ऑफ सर्किट रिमेन्स द सेम, द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट, वी प्रोपोर्शनल टू आई रहेगा। ऑफकोर्स अगर बाहर की चीजें या सर्किट अगर वायर चेंज किया तो दुनिया भर की चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। अब यहां पर वी प्रोपोर्शनल टू आई है तो भाई तुमको मैथ्स में पता ही है, इतना तो भाई मैथ का ज्ञान रखते ही हो कि वी और आई प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल को अगर इक्वल में बदलना है, इक्वल टू में बदलना है, तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। नॉर्मली हम कांस्टेंट के लगाते हैं, यहाँ पर भाई इस कांस्टेंट को आर कहा गया, कांस्टेंट कुछ भी बोल सकते हो और सिंबल जो लिखना लिखना, आर कहा गया। और ये आर क्या है, वैसे ये आर इज नथिंग बट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। सर ये रेजिस्टेंस किस चिड़िया का नाम है ये अपन देख लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, वी इज इक्वल टू अयर, वड़ा पाव इज इक्वल टू इडली रसम, और इडली रसम याद आ गया तो अयर भी याद आ गया, अयर वड़ा पाव, वड़ा पाव इज इक्वल टू इडली रसम, वी इज इक्वल टू अयर, फॉर्मूला याद हो गया। अयर को क्या पसंद है, इडली रसम, इसलिए अयर, ठीक है। सो वी इज इक्वल टू अयर, याद रखने के लिए बता रहा, कोई दिल पे ना लेना है, ठीक है। सो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ लिया है, कमाल है भाई, कमाल है। क्वेश्चन आया तो कर सकते हो ना, इस पे कर ही सकते हो। ओम्स लॉ रेजिस्टेंस की कहानी आएगी, कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस क्या है, पहले आप मतलब मैंने तुमको वहां पर खाली लिख दिया, वो मैथमेटिकली उसको यकीन मत करो, उस पर विश्वास मत करो, क्या है पहले वो समझना जरूरी है। तो रेजिस्टेंस क्या है वो आपको मैं बताते, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से आई हैव टू टेक दैट वायर। वो जेठालाल को सोसाइटी, क्या है नाम है, गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है रे बाबा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते, जब भी हम सेल लगाते तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते, ये इलेक्ट्रॉन
मूव करते, है ना, कहां से कहां मूव करेंगे भाई इलेक्ट्रॉन, माइनस से प्लस में मूव करेंगे कि नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, सही बात है सर। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, अच्छी बात है, मजा आया, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? बीच बीच में एटम्स भी तो होंगे, बीच बीच में क्या होंगे, एटम्स भी तो होंगे, आ गया। तो अगर बीच बीच में एटम्स होंगे तो क्या वो रुकावट नहीं पैदा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर बीच बीच में एटम्स हैं या दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके रास्ते में, खाली तो है नहीं रास्ता, मेटल का वायर है, मेटल के एटम्स होंगे, तो उसके रास्ते में जो रुकावट बनेंगे, जहां जहां पे ऐसी रुकावटें आएंगी, उसी रुकावट को मैं आर लिखता हूं, आर रुकावट या फिर आर रेजिस्टेंस। आप ये कह लो कि ये ट्रैफिक है, रोड में जैसे ट्रैफिक लगती है वैसे यहां पर भी क्या है, ट्रैफिक है। किसके लिए ट्रैफिक है? इलेक्ट्रॉन्स के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए। सो व्हेन वायर इज कनेक्टेड टू अ सेल, जब व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव दे फ्रीक्वेंटली गेट कोलाइडेड विथ द एटम्स एंड अदर इलेक्ट्रॉन्स, और यही अपोजिशन जो है रेजिस्टेंस कहलाता है। देखो इलेक्ट्रॉन जितनी तेजी से दौड़ता उतना करंट ज्यादा होता, इलेक्ट्रॉन जितना स्पीड दौड़ता उतना करंट ज्यादा होता, तो अगर इलेक्ट्रॉन को रोका जा रहा है तो यानी करंट को कम किया जा रहा है, करंट को अपोज किया जा रहा है। भाई ये हिमाकत, करंट को अपोज किया जा रहा है, कौन कर रहा है? रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू करंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। नाम से सुनना, रेजिस्ट करना, ठीक है। तो इट इज अपोजिशन टू करंट। सो रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। मैं अगर इन स्टैंडर्ड कहूं तो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट अपोजिशन टू, ठीक है, करंट। पर करंट को कौन अपोज कर रहा है भाई? ये कोई और नहीं कर रहा, ये कंडक्टर खुद कर रहा है, कंडक्टर के अंदर के एटम्स ही कर रहे हैं ना, तो यानी कंडक्टर ही वो अपोजिशन कर रहा है। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज करंट। कंडक्टर की एक नेचुरल टेंडेंसी होगी ना, एटम तो होगा ही उसके अंदर, खाली तो है नहीं वो, तो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे थे उनको अपोजिशन मिलेगा ही। सो इट इज द नेचुरल टेंडेंसी दैट कंडक्टर विल अपोज द करंट या इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ना। सो द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अगर ये रेजिस्टेंस है तो बाबू ठीक है, हमको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल चुका है वैसे भी, तो टेंशन की बात नहीं है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR है। अगर V इज इक्वल टू IR है तो R क्या हो जाएगा? V बाय I। सर अलग से लिखने की जरूरत है क्या? नहीं यार, क्या पागल, अलग से क्यों लिखोगे इसको? ऐसे इतने फॉर्मूला कम थोड़ी है, ये अलग से तुम लिखने जाओगे। तो इसका फॉर्मूला मिल चुका है अपने को, R निकालना है अगर तो V और I पता है तो R निकल जाएगा। क्वेश्चन देख लें कि मान लो एक क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, और जिसमें क्वेश्चन बढ़िया है ना, तो हमने क्या करा, हमने लिया है एक सर्किट, या मान लो एक बल्ब है, ऑलराइट एक बल्ब है, और एक सेल लगा हुआ है, सेल की पोटेंशियल है मान लो 12 वोल्ट, और बल्ब का रेजिस्टेंस है या जो भी कंडक्टर उसका रेजिस्टेंस है यहाँ पर 3 ओम। अब तुमको निकालना है करंट, बताओ करंट क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर, दैट इज 12/3, 3/4, तो यानी करंट इज इक्वल टू 4 एम्पियर। बधाई हो सर, मैं तुमको पीछे कुछ बताया था मैंने, मैं आता हूँ रेजिस्टेंस के ऊपर फिर, पर कुछ बेसिक कहानी समझो। ओम्स लॉ बहुत प्यारी चीज़ है, मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, कुछ बेसिक कहानी समझो। मैंने क्या बताया था कि भाई करंटवा जो है
वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, करंट जीरो या पोटेंशियल जीरो। करंट कम मतलब पोटेंशियल कम तो करंट भी कम, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा तो करंट भी ज़्यादा। तो यानी करंट डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे, ये तो हम कह रहे थे कि भैया ठीक है ये सेल पे डिपेंड करता है या बैटरी पे डिपेंड करता है, पर अब जाके हमको ये पता चला कि नहीं भाई करंट तो एक और बात पे डिपेंड करता है एंड दैट इज़ द रेजिस्टेंस। करंट जो है वो रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, मतलब ये दोनों कॉन्स्टेंट चीज़ें हैं, रेजिस्टेंस भी अपना फिक्स बैठा है, ये भी अपना फिक्स बैठा है, ये बदलते नहीं है। बदलता बेचारा कौन है, करंट। मान लो तीन दोस्त है, उसमें से एक दोस्त जो है वो अपनी चलाता नहीं है, वो दोनों के हिसाब से चलता है कि भाई तेरा कितना वैल्यू है। पहले देखेगा वोल्टेज कितना है, वोल्टेज अगर इतना है फिर देखेगा रेजिस्टेंस कितना है, और फिर वो ऐसे अपना कैलकुलेशन कर लेता है। सो द करंट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑल्सो। सर क्या रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो काम चलेगा? ठीक है, फिर भी हो जाएगा। क्या वोल्टेज नहीं रहेगा तो काम चलेगा? नहीं चलेगा यार। तो करंट पहले देखता है कि वोल्टेज कितना है, फिर देखता है कि रेजिस्टेंस कितना है, देन वो अपना कैलकुलेशन करता है। क्योंकि अगर करंट सिर्फ वोल्टेज पर डिपेंड करता बेटा, तो मैं यहां पर सेम वोल्टेज ले लेता हूं। मान लो मैं यहां पर फिर से लेता हूं V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, और इस बार मैं क्या करता हूं, जो रेजिस्टेंस लेता हूं वो अलग ले लेता हूं। मान लो रेजिस्टेंस ले लिया 4 ओम, तो इसमें करंट सेम आना चाहिए ना, क्योंकि वोल्टेज तो दोनों में 12 है, वोल्टेज सेम है तो करंट भी सेम होना चाहिए। नहीं, इट इज डिपेंडिंग ऑन रेजिस्टेंस ऑल्सो ना। तो I इज इक्वल टू V बाई R हो गया, बोले तो 12 बाई 4 हो गया, यहां पर कितना आया 3, यहां पर करंट कितना आया 3 एम्पियर, उधर कितना आया था 4 एम्पियर, इधर कितना आया 3 एम्पियर, जबकि वोल्टेज सेम है। तो वोल्टेज सेम होने से करंट सेम नहीं होता, बिकॉज करंट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन वोल्टेज, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस। तो करंट को मान लो धक्का मार रहे कौन, वोल्टेज बोलता तू जा, तू जा, तू आगे बढ़, और उसको रोक कौन रहा है, नहीं यार रहने दे रहने दे रहने दे, कौन, रेजिस्टेंस। सो वोल्टेज इज द सपोर्टर टू करंट, वोल्टेज सपोर्ट करता है भाई तू फ्लो कर, मैं तेरे पीछे हूं, तेरे साथ हूं। रेजिस्टेंस क्या करता है, उसको वो अपोजर है, अपोज करता है, भाई रहने दे छोड़ यार, तू क्या जाएगा, तू क्या तोड़ेगा, तेरे में कोई बात नहीं है, वो बात नहीं है तेरे में, ठीक है। तो वोल्टेज जो है वो मोटिवेटर है, यस तू कर सकता है भाई, तू फोड़ेगा तोड़ेगा। रेजिस्टेंस बोलता है नहीं यार तेरे बस की बात नहीं है। समझ में आ गया? तो ये कहानी V इज इक्वल टू आई आर की हमने आपको बता दी है, आई थिंक बढ़िया ही बताया। रेजिस्टेंस को R लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो SI यूनिट है वो है, और ये क्या बता दिया सर, ये ग्रीक लेटर है ओमेगा, इसको हम यहाँ प्रोनाउंस करते हैं ओम, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का SI यूनिट इज ओम। तो अगर मेरे को लिखना है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 5 ओम, आई विल राइट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 5 ओम, जैसे यहाँ पर लिखा है 3 ओम 4 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी एक डिवाइस है, विच इज ऑफ कोर्स, मिटा दूं अभी बाकी सब चीजें। सो ऐसा यूनिट इज ओम, मेजर करते हैं ओम मीटर से, ठीक है। मेजर किया जाता है ओम मीटर से, आप देखो ओम मीटर भी है यहां पे। सर इसको कैसे लगाते हैं? अरे भाई छोड़ो, ओम मीटर नहीं है, अपने कंसेप्ट में नहीं पढ़ना अपने को, ठीक है। रेजिस्टेंस को सर्किट में ऐसे रिप्रेजेंट किया था, दिस इज सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे वोल्टेज का वो गोला वी था, ठीक है। सर्किट में रेजिस्टेंस ऐसे दिखाया जाता है, तुम कीड़े कांडी मत करके आना, ऐसी पैरेलल लाइंस देखो कितना सिस्टमेटिक दिख रहे हैं, और दिखने में रेजिस्टेंस को जैसा दिखता है रियल में, रियल लाइफ में सर्किट में ऐसा है। तो अगर मैं वो किसी सर्किट में रेजिस्टेंस दिखाना है तो कैसे दिखाऊंगा सर? ऐसे दिखाओगे और कैसे दिखाओगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ रेजिस्टेंस विल बी ड्रॉन। एक और बात पता है, रेजिस्टेंस ऐसे भी कंपोनेंट्स होते हैं जिसका रेजिस्टेंस जगह पे चेंज किया जा सकता है, मतलब देयर आर रेजिस्टर्स जिनका वैल्यू वहीं पे चेंज किया जा सकता है। एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, एक रियोस्टैट होता है, मतलब ये वाला रेजिस्टर कार्बन रेजिस्टर है, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। मान लो कि इसकी वैल्यू हो गई 100 ओम, तो ये 100 ओम का रेजिस्टर फिक्स है,
इसका ऐसे बदलेगा नहीं ऐसे कि हाँ करंट कितना वोल्टेज कितना, ये फिक्स है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे रेजिस्टर्स भी होते हैं जिसकी वैल्यू तुम वहाँ पर कुछ पिन लगा के निकाल के चेंज कर सकते हो, जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स का, ठीक है, या रियोस्टैट, उसको स्लाइड करके रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो जब तुम्हारे पास ऐसा ऑप्शन है कि तुम सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हो, उसको ऐसे सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर दिस इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस, वैरी कर सकते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू। ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस, ये हो गया, ये किसका सिंबल है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का। कितने सारे फॉर्मूला पढ़ लिए, क्या तुमने याद रखा है, रिकॉल करना है। Q इज इक्वल टू एन ई पढ़ा, I इज इक्वल टू Q बाई टी पढ़ा, V इज इक्वल टू W बाई क्यू पढ़ा, V इज इक्वल टू आई आर पढ़ लिया, ठीक है। आगे चलें, आगे आगे चलते हैं। तो सर अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, ये सब चीजें पढ़ ली है, रेजिस्टेंस पढ़ लिया है, नाउ वी विल मूव टू, भैया अभी इससे जुड़ा हुआ एक और टर्म है जो है रेजिस्टिविटी। अब मैंने क्या बोला कि रेजिस्टेंस जो है किसी भी वायर का रेजिस्टेंस, वो वायर ने खुद ही रखा है ना, वो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है तो उसको रोक रहा है उसके एटम्स, तो वो रेजिस्टेंस हो गया, सही है। पर ये बताओ कि मान लो मैंने लिया दो वायर, ठीक है, दोनों वायर में देखो, अब यहाँ पर मान लो एक ही कंपनी का दो वायर है, तोड़ के दो से दो टुकड़े बनाए, एक छोटा एक बड़ा है। अब ये छोटा वायर जो है और ये बड़ा वायर जो है, इसमें डिफरेंस किस चीज़ का है, सिर्फ लेंथ का, ठीक है, सिर्फ लेंथ का डिफरेंस है। तो आपको दिख रहा है कि भैया ये बड़ा वायर जो है, बड़ा वायर जो है सर, ये बड़ा बड़ा लेंथ है इसका, छोटा वायर का छोटा लेंथ है। तो इनमें डिफरेंस सिर्फ किस चीज़ का है, डिफरेंस सिर्फ है लेंथ का बाबू। ये बताओ क्या इनके रेजिस्टेंसेस अलग अलग होंगे, आंसर इज यस। आपने एक वायर लिया, टुकड़ा किया, पर बीच में से थोड़ी गया, एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस इज अ ट्रैफिक। तो मान लो ये रोड है, तुमको एक 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 बंदा है जिसको सिर्फ कश्मीर से सिर्फ दिल्ली तक जाना है, और एक बंदा है जिसको कश्मीर से लेके बॉम्बे तक जाना है। तो भाई बॉम्बे दूर पड़ेगा, हाँ जी, ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगी, यानी यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ ट्रैफिक यानी रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, बराबर ना। एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकला है वो धड़ाम 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 धड़ाम, है ना, वो टकराया, इतनी टकराया, इतनी बार एटम से टकराया। लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकला है, धड़ाम 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 धड़ाम, रोड बड़ा है भाई, धड़ाम धड़ाम चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, कितने धड़ाम हो गए देख लो। यानी रेजिस्टेंस नेचुरली क्या हो जाएगा, नेचुरली रेजिस्टेंस यहाँ पर बढ़ रहा है। व्हाट आई कैन से इज, इससे क्या कंक्लूजन निकला कि रेजिस्टेंस, इफ द लेंथ इज मोर रेजिस्टेंस इज मोर, इफ द लेंथ इज लेस रेजिस्टेंस इज लेस। इसका मतलब द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, सही बात है। और शेरो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। एक काम करते हैं, कुछ और करते हैं, नाउ आई टेक दिस वायर और एक और वायर मैंने बनवाया, और इस बार लेंथ तो सेम रखा पर मोटाई अलग अलग कर दी। इस मोटाई को यहां पर थोड़ा अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए से रिप्रेजेंट करें, तो इसका ए ज्यादा इसका ए कम, एक का ए ज्यादा एक का ए कम, तो और दोनों का लेंथ क्या है, सेम है।
तो क्या अब इनका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, क्या ट्रैफिक अलग अलग होगी? अरे भाई सीधी सी बात है, अगर कोई नैरो रोड से जा रहा है अपनी गड्डी भगा रहा है और कोई बहुत ही वाइड ब्रॉड रोड से जा रहा है, तो भाई किसको कम ट्रैफिक मिलेगी? ब्रॉड वाले को कम ट्रैफिक मिलेगी, जो नैरो से जा रहा है वो ट्रैफिक में फंसा रह जाएगा। इसलिए तो हाईवे से जाते हैं, बड़े बड़े हाईवे बनते हैं। तो यानी कि जहाँ पर रोड हो जाएगा चौड़ा वहाँ ट्रैफिक हो जाएगी कम, और जहाँ रोड होगा पतला वहाँ ट्रैफिक हो जाएगी क्या? ज़्यादा। रेजिस्टेंस हो जाएगा ज़्यादा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा, लेंथ कम रेजिस्टेंस कम, एरिया वाले में उल्टा है, एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस कम। दोनों को भैया मिला दो, वन और टू को दोनों को घोल दो आपस में, तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू, हैं जी, R इज इक्वल टू, इक्वल टू थोड़ी ना सर, प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। बात सही है सर, प्रोपोर्शनल पे हम थोड़ी सम्स छोड़ते हैं, हम तो भाई इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वल टू डालते हैं, तो इक्वल टू डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डाल दो इक्वल टू, मेरा क्या जा रहा है, मेरा कुछ जा रहा है? लेकिन इक्वल टू के साथ में तुमको एक और चीज लगानी पड़ेगी, जब तुम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू बदलते हो एक कांस्टेंट लगाना जरूरी होता है। अब यहां पर जो साइंटिस्ट लोगों ने कांस्टेंट लगा दिया, दैट इज सर, ये क्या हिंदी लेटर का एक लिखा है क्या? नहीं, दिस इज अ ग्रीक लेटर, दिस इज अ ग्रीक लेटर, प्रोनाउंस करते हैं आर एच ओ, रो रो, ठीक है। तो ये एक और फॉर्मूला हो गया, पर इस फॉर्मूला का मीनिंग क्या है जरा समझो। इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। सर ये मीनिंग थोड़ी है, मीनिंग बताओ, मीनिंग बता दूं पक्का? हम शुरू में क्या लेके चले थे कि रेजिस्टेंस सिर्फ लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। हमने शुरू में ये बस यही सोचा कि रेजिस्टेंस जो है वो सिर्फ लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मिस कर दी कि भैया वो जो चीज है, वो वायर जो है वो किस चीज का बना है, क्या वो कॉपर का है, क्या वो एल्यूमिनियम का है, या किसी और मेटल का है? यानी मटेरियल ऑफ द कंडक्टर की तो बात ही नहीं करी। तो द मटेरियल फैक्टर टू अपोज द करंट, मतलब उतना ही मोटा, सेम थिकनेस सेम लेंथ का अगर मैं कॉपर वायर ले रहा हूं और एक एल्यूमिनियम वायर ले रहा हूं, दोनों का लेंथ और थिकनेस सेम है, तो क्या दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा? नहीं, क्योंकि दोनों मटेरियल की रेजिस्ट करने की, करंट को रेजिस्ट करने की अपनी खुद की एबिलिटीज हैं, जो कि डिफरेंट है। ऑफकोर्स हर मेटल का अलग अलग हो सकता है। सो दिस मटेरियल एबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंस, हमने यहां पर हमको वो फॉर्मूला में हमने याद, यहां नहीं याद दिलाया, हमको अपने आप मैथ्स ने याद दिला दिया। हमने यहाँ पे क्या बोला, रेजिस्टेंस सिर्फ लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, हमको इतना ही पता है। हमको यहाँ पर याद आ गया कि अच्छा ये कॉन्स्टेंट क्या है, दिस फैक्टर इज द मटेरियल एबिलिटी, ठीक है, और टू रेजिस्ट द करंट। तो मटेरियल कितना करंट को रेजिस्ट कर सकता है, नॉट द कंडक्टर एज अ होल। लेंथ और एरिया का फैक्टर हटा दो तो रेजिस्ट करने का एबिलिटी किस पे पूरी तरह डिपेंड करता है, उसके मटेरियल पे, और उस सिर्फ उस एबिलिटी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर नहीं बोलते, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर बोलते, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा सर, जरा बताइए यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा बेटा, बाकी सबकी यूनिट डाल दो पता लग जाएगा। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और लेंथ की होती है मीटर, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, सबकी ऐसा यूनिट डाल रहा हूं मैं, एन इज इक्वल टू रो, मेरे को रो की यूनिट चाहिए, बाकी सबको इधर भेजना है, तो पहले इसको कैंसिल कर लो, ये मीटर यहां आ गया, क्या आ गया? ओम मीटर। तो रो यानी रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट याद रखो भैया, ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर, ये वो ओम मीटर नहीं है, ये वो डिवाइस नहीं है, ओम मीटर, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी।
सर ये बड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में अंतर बताओ। दोनों तो करंट को अपोज कर रहे हैं, बात सही है, अंतर क्या है? जैसे मान लो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि ये दो वायर है और ये दोनों अल्यूमिनियम के बने, लेंथ एरिया सब अलग अलग है, दोनों एल्यूमिनियम के बने, लेंथ और एरिया डिफरेंट है सब, क्या इनका रेजिस्टेंस सेम होगा? नहीं, क्योंकि मटेरियल, क्योंकि लेंथ और एरिया अलग अलग है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, तो लेंथ एरिया एरिया अलग अलग है तो रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा दोनों का। क्या दोनों का रेजिस्टिविटी सेम है? यस, सेम है, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल का बना है, दोनों एल्यूमिनियम का बना है, तो दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगा। मतलब मटेरियल की अपनी एबिलिटी कितनी है रेजिस्ट करने की, वो लेंथ एरिया पर डिपेंड नहीं करता ना, सही है। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने लेट्स टेक एन एग्जांपल, आ जाओ यहां पे, तो डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी जरा देख लो, रेजिस्टेंस है रेजिस्टिविटी है। मैंने दो वायर लिया यहां पे और देखो दोनों का दोनों सेम लेंथ है और सेम एरिया है, दे हैव सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक एल्यूमिनियम का वायर है और एक कॉपर का वायर है, लेंथ और एरिया सेम है, पर क्या दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है? नहीं, दोनों की रेजिस्टिविटी अलग होगी। इसकी मान लो रो वन, इसकी मान लो रो टू, तो फॉर्मूला जो होगा वो इसका होगा, दोनों का लेंथ और एरिया मान लो एल और ए ही है, तो इसका हो जाएगा आर वन इज इक्वल टू रो वन इंटू एल बाय ए, और इसका आर टू क्या हो जाएगा, रो टू इंटू एल बाय ए। तो एल बाय ए सेम होने के बावजूद भी रो वन रो टू अलग है, इसलिए दोनों का रेजिस्टेंस आर वन आर टू भी अलग है। सो दे हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस बिकॉज द मटेरियल एबिलिटी टू रेजिस्ट इज डिफरेंट। तो अब यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि दोनों का रेजिस्टिविटी इज डिफरेंट, बट अगर ये दोनों एल्यूमिनियम बना होता तो दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होता और रेजिस्टेंस भी सेम होता ऑफकोर्स। सो रेजिस्टेंस कंडक्टर की बात है, रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू अपोज करेंट, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जरा ध्यान में रखो, इट इज आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, आर इज इक्वल टू व्हाट, रो एल बाय ए। तो जो रेजिस्टेंस है वो कई बातों पर डिपेंड कर रहे हैं, रेजिस्टेंस इज डिपेंडिंग ऑन द लेंथ, ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ऑल्सो ऑन द मटेरियल। रेजिस्टेंस तीन बातों पर डिपेंड कर रहा है, पर रेजिस्टिविटी कंडक्टर की खूबी नहीं है, वो एज अ पूरा कंडक्टर एज अ होल की खूबी नहीं है। रेजिस्टिविटी सिर्फ ये है, ओनली दिस फैक्टर, ओनली द मटेरियल फैक्टर, ठीक है। सो रेजिस्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू अपोज द करंट, कि भाई मैं वायर में जाके मैं कितना चौड़ा कितना मोटा बनूंगा अलग बात है, अभी मेरी रेजिस्टिविटी ये है क्योंकि मैं एल्यूमिनियम हूं। अब वायर में आपने मुझे ढाल दिया इस लेंथ में इस एरिया में, तो अब पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, एक फिक्स रेजिस्टेंस मिल जाएगा मुझे, एक रूप मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अपोज करंट, इट इज एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू अपोज करंट। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एरिया एंड मटेरियल, रेजिस्टिविटी जस्ट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, ठीक है। डिपेंडेंसी अगर आप देखो, डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि ये सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब दिस इज क्लियर, और अब यहाँ पर फॉर्मूला एक और मिल चुका है, तो भैया एक क्वेश्चन कर ले, एक क्वेश्चन कर लेते मान लो, और तुम पॉज करके मेरे साथ कर सकते हो, हाँ मतलब मेरे सॉल्व करने से पहले। सपोज मैं कह रहा हूँ कि भाई एक वायर है, प्यारी सी वायर है, ठीक है, इसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी पता करनी है। इसका लेंथ है मान लो 10 मीटर, ठीक है, लेंथ 10 मीटर दिया है और इसका ना डायमीटर दिया हुआ है 0.4 mm, और इसका रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है मान लो 100 मीटर। सारी रिक्वायर्ड चीजें दी है भैया, सॉल्व कर लो, फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, हमको रो निकालना है, इसको यहां भेजो, इसको यहां भेजो, सो रो इज इक्वल टू
रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, बता दो वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है 100, इंटू एरिया की वैल्यू कितनी है पता नहीं, लेंथ की वैल्यू कितनी है, लेंथ की वैल्यू है 10, है ना। अरे रेजिस्टेंस का मैंने यहाँ पर यूनिट क्या लिखा है, देखो मीटर लिख दिया, रेजिस्टेंस इज 100 ओम। अब मुझे एरिया नहीं पता यार, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ सर्कल नहीं पता है, ठीक है ना यार, डायमीटर से रेडियस निकालो, रेडियस हो गया इसका आधा 0.2 mm, पर mm में काम नहीं चलता, मीटर में चाहिए हमको, तो 0.2 डिवाइड बाय 1000 ना, डिवाइड बाय 1000 को अगर ढंग से लिखें तो कैसे लिख सकते हो, 10^-3 भी लिख सकते हैं, मीटर में आ गया। अब इसको मैं 0.2 को वहाँ भेज दूँ, पॉइंट को और एक शिफ्ट कर दूँ, 2×10^-4 मीटर आ गया, ये रेडियस हुआ भैया, अभी तक एरिया थोड़ी मिला है, मिल जाएगा, एरिया इज इक्वल टू क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई कितना होता है 3.14 आर स्क्वायर, यानी 2×10^-4 का स्क्वायर, यानी 3.14 × 4×10^-8 ये हो गया तुम्हारा एरिया, डाल दो यहाँ पे, सो दिस इज 3.14 × 4×10^-8, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया देखो, ये 10 को यहाँ एडजस्ट कर लो, तो यानी 10^1 है, ये -8 है, तो कितना हो जाएगा 10^-7 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लो तो ये 6.28 और 12.56 आया, चाहिए ना 12.56 10^-7 ओम मीटर, या 1.256 10^-6 ओम मीटर, ठीक है, ये आपका रेजिस्टिविटी आ गया है, ठीक है, आई होप इजी है ये, 10^ वो टेंशन मत लिया करो, अलग से वैसे भी ऑपरेट करना होता है उसको, मल्टीप्लाई नहीं करना होता यहाँ, ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब हम चलते हैं रेजिस्टर्स की दुनिया में, थोड़ा रेजिस्टर्स को ये समझते हैं कि अगर एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स है तो वो कैसे कनेक्ट किए जा सकते हैं, दो तरीके से, एक सीरीज़ और एक पैरेलल। तो सीरीज़ पैरेलल की जो कहानी थी थोड़ी सी और समझनी होगी इसके लिए, कि जब मैं रेजिस्टर्स को आपस में, जब मैं रेजिस्टर्स को आपस में सीरीज़ में कनेक्ट करूं बेटा, मान लो कोई रेजिस्टर या कोई भी डिवाइस, कोई जरूरी नहीं रेजिस्टर ही, हर डिवाइस का अपना रेजिस्टेंस ही होता है, मतलब एवरी कंपोनेंट इज अ रेजिस्टर ओनली एक तरीके से, तो मान लो ये सीरीज़ में कनेक्टेड है एक सेल के साथ, सेल का वोल्टेज है वी और जो करंट दौड़ सकता है वो है टोटल करंट आई है मान लो, ठीक है, और एक केस में मैं क्या करता हूँ, मैं पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ रेजिस्टर्स को, मैंने कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, ओके, तो क्या हो रहा है भाई ज़्यादा, सो हमने लगा दिया पैरेलल में, ठीक है, यहाँ भी वोल्टेज मान लो V है, करंट मान लो I है, टोटल करंट, ठीक है, प्लस माइनस भूलना नहीं। अब ये बताओ कि अगर ये रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है, यहाँ पर रेजिस्टर्स R1, R2, R3, जो भी ये बल्ब मन कह दो इसको, अब क्या होता है बताएगा, ये जो मैं अभी बताने वाला हूँ, दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल ध्यान से, अच्छे से, एकदम इत्मीनान से समझो, कि जब रेजिस्टर्स को मैंने सीरीज में लगाया या बल्ब को सीरीज में लगाया, तो इसकी जो ताकत है, पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट एक एनर्जी है जो वर्क करता है, तो ये जो एनर्जी है ये तीनों में बट जाती है, मतलब इसका जो वोल्टेज है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मान लो ये V1, मान लो यहाँ पर हो गया V2 और यहाँ पर हो गया क्या V3, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अगर ये मान लो 12 वोल्ट का है, तो ये 12 वोल्ट में से अगर तीनों इक्वल रेजिस्टेंस है तो कितना हो जाएगा, 4 4 4 4 ऐसे डिवाइड हो जाएगा, पर अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टर्स है तो यहाँ पर क्या होएगा, वोल्टेज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा,
ठीक है, तो कितना होगा, क्या होगा वो आगे समझो, लेकिन फिलहाल वोल्टेज क्या हुआ है, तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, डिवाइड हुआ है. बट वॉट आई कैन से इन दिस सीरीज इज द टोटल वोल्टेज इज नथिंग बट तीनों को अगर ऐड कर दोगे तो यू विल हैव दैट टोटल वोल्टेज, कोई डाउट नहीं है इसमें. पर एक बात और अच्छे से समझ लेनी है बेटा, कि जो करंट है ना, करंट यानी क्या, ये जो करंट है ना, कभी भी यार ना सीरीज कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में करंट मतलब क्या, चार्ज का ही फ्लो है ना, चार्ज का फ्लो, तो कहीं कोई डाइवर्जन नहीं आया, करंट बिल्कुल सिस्टमैटिकली वही करंट फ्लो हुआ है. तो हर रेजिस्टेंस में से, हर रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो हुआ है वो बिल्कुल उतना ही करंट फ्लो हुआ है हर रेजिस्टर में, सेम करंट फ्लो हुआ सीरीज में. ये याद रखना, करंट रिमेन सेम फॉर ऑल, वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड. पैरेलल में क्या हो रहा है सर, पैरेलल में सबका वोल्टेज सेम, क्योंकि सीधे सेल से तीनों कनेक्टेड है, कॉमन पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, तो वोल्टेज सबके लिए वही रहेगा. टोटल कितना रहेगा, अगर ये 12 वोल्ट है तो इसको भी 12, इसको भी 12, इसको भी 12. सर ये तो अच्छा, अगर ऐसे लगाएंगे हमेशा, अरे सेल जल्दी खत्म हो गए इसमें से. तो एनर्जी सबको, सबको टोटल मिल रही है, फुल मिल रही है, तो वोल्टेज रिमेन सेम. बट द करंट, देखो यहाँ से करंट फ्लो हुआ था, यहाँ से करंट फ्लो हुआ था, अब ये करंट क्या होगा, इधर आने के बाद कन्फ्यूज ही आ जाएगा. सही बात है, ये करंट यहाँ पर आने के बाद कन्फ्यूज ही आ जाएगा, ये करंट इधर जाएगा, कुछ कुछ चार्ज यहाँ जाएगा. सही बात है, कुछ चार्ज यहाँ जाएगा और कुछ चार्ज जो है वो यहाँ जाएगा. चार्ज ही तो है, करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो ये डिवाइड हो गया. मान लो मैं करंट के फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पर करंट जो हुआ लेट अस से आई वन, इधर के करंट को लेट मी से आई टू, और इस वाले को मैं कह देता हूं आई थ्री. फिर वो जुड़ जाएगा, वापस से कंबाइन होकर फिर आई बन जाएगा टोटल करंट. बट फॉर अभी के केस के लिए मैं कहूं तो इट इज डिवाइडेड, करंट इज डिवाइडेड, जहां भी जंक्शन हो गया करंट डिवाइड होगा और वापस रिकम्बाइन हो जाएगा. तो ये ना डिफरेंस है रेजिस्टेंस कंपोनेंट्स इन सीरीज एंड पैरेलल. सीरीज में क्या हो रहा था, करंट सेम फ्लो हो रहा है, पूरा लूप एक ही है तो करंट सेम है. सीरीज में याद रखना करंट सेम, फॉर ऑल वोल्टेज डिवाइड हो रहा है. पैरेलल मान लो मैं इसको कह देता हूं रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो कोई भी कंपोनेंट जब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो यहां पर क्या सेम हो जाता है, वोल्टेज सेम हो जाता है. और क्या डिवाइड हो गया, करंट डिवाइड हो जाता है. तो इस वाले में जैसे यहां पर मैंने V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखा, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. सही बात है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. इसी से ना मैं तुमको अभी दोनों डेरिवेशन यही बता देता हूं, मतलब नॉट अ बिग डील. डेरिवेशन वैसे बंद कर दिया गया, CBSE ने आजकल डेरिवेशन बंद कर दिया, बट नॉट अ बिग डील, ध्यान देना. यहां पर ओम्स लॉ लगाए, ओम्स लॉ क्या कहते हैं सर, V इज इक्वल टू IR. रेजिस्टेंस इन सीरीज का मतलब क्या है, आप ये समझो, हमको ये पता करने को कहा गया है कि भैया अगर मैंने तीन रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 मान लो 10, 20, 30 वोल्ट के,
10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, तीन रेजिस्टेंस लिए, एक का वैल्यू 10 है, एक का वैल्यू 20, एक का 30 है, तीनों को ऐसे लगा दिया तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बन रहा है वो बताओ। तो लेट दैट टोटल रेजिस्टेंस भी हमको नहीं पता उसका वैल्यू, लेट दैट बी आर एस। तो वो टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू आर एस है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि इनकी जगह पे मैं अगर वो टोटल वैल्यू वाला एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दूं तो ये बिल्कुल वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ये बिल्कुल सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। मतलब क्या कि अगर तुमने सेम वही वाले वोल्टेज के सेल से कनेक्ट किया इनके कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट वैल्यू को, तो वो सिंगल रेजिस्टेंस उतना ही करंट खींचेगा उस वोल्टेज से, उस पोटेंशियल डिफरेंस से, जितना ये तीनों मिलके ड्रॉ कर रहे थे। आई वॉन्ट टू फाइंड अ फॉर्मूला ऑफ आर एस इन टर्म्स ऑफ आर वन, आर टू, आर थ्री, एज सिंपल एज दैट। कि मतलब अगर तुम्हारे पास ये तीन रेजिस्टेंस नहीं होते, मान लो 10, 20, 30 वाला रेजिस्टेंस तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुमको ये तीनों का सीरीज का इफेक्टिव वैल्यू वाला ही रेजिस्टेंस चाहिए, तो तुम सिंगल रेजिस्टेंस, अगर तुम्हारे दूसरे सारे वैल्यूज प्रेजेंट है, सिर्फ ये 10, 20, 30 नहीं है, तो फिर क्या वैल्यू होगी पता तो चाहिए ना। तो आर एस का हमको वो तीनों का इक्विवेलेंट इफेक्टिव वैल्यू क्या है वो हमको निकालना है, और लेट दैट बी आर एस। अब ना सिर्फ मैंने बताया ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो वी इज इक्वल टू आई आर यहां पर अगर मैं लगाऊं, यहां पर ध्यान से देखूं, तो वी वन के लिए क्या हो जाएगा, वी वन के लिए आई आर वन दिख रहा ना, वी वन इज इक्वल टू आई आर वन। ऐसे ही वी टू के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दो खाली यहां पर, वी टू इज इक्वल टू आई इंटू आर टू। और ऐसे ही V3 के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे, V3 इज इक्वल टू I इंटू आर थ्री। बस वैल्यू डालते जाओ बेटा, टेंशन नहीं है, वैल्यू डालते जाओ। सो दिस इज, यहाँ लिखता हूँ यार, I R1 प्लस ये क्या है, I R2 प्लस ये क्या है आई आर थ्री इज इक्वल टू वी क्या है, देखो यहां पर वी इज इक्वल टू, इस कॉम्बिनेशन में देखो वी इज इक्वल टू आई आर एस, वी इज इक्वल टू आई आर एस। सर राइट साइड में सारे आई को कॉमन ले सकते हैं, आर को मत ले लेना गलती से, वो आर वन, आर टू, आर थ्री अलग अलग रेजिस्टेंसेस हैं बेटा। और ये आई आर एस, अब क्या हो गया सर, अरे बहुत ही प्यारी चीज हो गई, सब में से आई कैंसिल हो गया दोनों साइड से, हमको फॉर्मूला मिल गया कि जब भी कितने भी रेजिस्टेंसेस हो, तीन, चार, पाँच, छः, सारे रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगे हैं तो इक्विवेलेंट निकालने का तरीका बहुत आसान है। द इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज रेजिस्टेंसेस इज इक्वल टू इज नथिंग बट इट इज सम ऑफ द रेजिस्टेंस वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, then the value of equivalent resistance in series is given by the sum of values of individual resistances. तो अगर ये 10, 20 और 30 था तो वो total value कितना होगा, सीधे add कर दो, 10 plus 20 is 30 plus 30 is 60। तो यानी तुम्हारे पास अगर 60 volt का एक single resistor present है तो तीनों को हटा दो, एक single लगा दो, same current खींचेगा उस voltage से, ठीक है। पैरेलल का भी यही कर दूंगी, यही कर देता हूँ यार, कोई बड़ी बात नहीं है, या तो चलो आगे करते हैं, तुम लोग सर यहीं पे कंजूसी कर रहे हो आप, ठीक है। तो रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल है अपने पास, तो भैया क्या करना पड़ेगा यार, कुछ नहीं, तीन रेजिस्टेंस ले लो, चार भी ले सकते हो, दो भी ले सकते हो,
और इसको हमने लगा दिया किसके साथ में, सेल के साथ में। मैंने क्या बोला, टोटल वोल्टेज है V, जो कि पैरेलल में सबके लिए सेम रहता है, तो इसके लिए भी V हो गया, इसके लिए भी सेम वोल्टेज, इसके लिए भी वही टोटल वोल्टेज V। लेकिन यहाँ पर क्या डिवाइड करता है, तो यहाँ पर डिवाइड करता है ये जो करंट है, ये करंट तीनों में डिवाइड हो गया। मान लो यहाँ का करंट है I1, यहाँ का करंट है I2, यहाँ का करंट क्या है I3 है, फिर से वो कंबाइन होके वापस से वो करंट टोटल I बन गया। तो सर क्या आप ये कह रहे हो? हाँ मैं वही कह रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो, कि जैसे वहां पर V का डिस्ट्रीब्यूशन लिखा था, वैसे यहाँ पर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब पिछले वाले में V का सब्सटीट्यूशन करना था, इसलिए V इज इक्वल टू IR काम आ गया था। अब I का सब्सटीट्यूशन करना है तो भैया I को एक तरफ रहने दो और V को V बाय R लिख दो, ऐसे है ना, ये डिवाइड पे आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू V, वही ओम्स लॉ लगा रहे हैं वहां, बाय ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाय R। लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमको निकालना है कि भाई तीनों का इफेक्टिव क्या होगा, लेट दैट बी आर पी, पी मतलब पैरेलल। तो आर पी इन तीनों को हटा के अगर आर पी लगाया तो वो उस अगर सेल में लगाया तो वो उतना ही करंट बनाएगा या ड्रॉ करेगा जितना ये तीनों मिलकर खींच रहे थे, ठीक है। तो बस वैल्यू लगाओ, डालते जाओ वैल्यू। अगर आई इज इक्वल टू वी बाय आर है तो आई वन क्या होगा, देखो यहां पर I1 will be V by R1, I2 will be V by R2, and I3 will be V by R3, I3 will be V by R3। डालते जाओ वैल्यू, V by R1 plus V by R2 plus V by R3 is equal to, यहां पे लगा दे भाई, I इज इक्वल टू V बाय आर पी, आई इज इक्वल टू वी बाय आर पी। आर पी का फॉर्मूला मिल जाएगा बेटा, क्यों मिलेगा सर, कैसे मिलेगा? अरे इधर V को कॉमन ले ले, इधर क्या बचेगा, 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री इज 1 बाय आर पी। सर ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये कैंसिल हो गया एंड यू गेट द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर तीन रेजिस्टेंसेज पैरेलल में कनेक्टेड है 10, 20 और 30 का, तो इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, आर पी निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 30। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें क्या, अरे यार छोड़ना, पहले इधर 2 ऐसे कर ले पहले। तो ये कितना हो गया, 2 प्लस 1 3 बाई 20 हो गया प्लस 1 बाई 30। अब कर ले क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 3 = 9 ये हो गया 90 प्लस 20, 3 × 2 = 6 हो गया, बराबर है, इज इक्वल टू 1 बाय आर पी। तो आर पी की वैल्यू कितनी हो गई, 600 बाय 110, ये कैंसिल हो गया, 60/11 ओम इज द आंसर। इसको भी डॉट में तुम्हारे वो डेसिमल में लिखना है तो उसको कर लो, ठीक है। सो यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला निकाल लिया, सीरीज और पैरेलल का दोनों, ये भी ऐड कर लो अपने फॉर्मूला लिस्ट में, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में तो कई फॉर्मूला आ गए, V इज इक्वल टू आई आर, फिर R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, और फिर ये आर एस और आर पी का। सही है भाई, सही है, इसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते रहेंगे ना, मज़ा आएगा इसमें। अगर मैं न्यूमेरिकल जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बेसिक बता दिया मैंने कैसे करना है उसको लास्ट स्टेप में, लेकिन वो 1 बाय आर पी को आर पी करना, वो इन्वर्ट करना जरूरी है, आर पी निकालना ना। अभी लास्ट में अभी हम देखें तो हमको थोड़ा सा ही कुछ चीज बचा हुआ है, हीट जनरेटेड। सर ये अभी हीट कहाँ से जनरेट होगा वायर के अंदर, बिल्कुल जनरेट होगा, रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट याद करो। रेजिस्टेंस वाले कंसेप्ट में क्या था, जो इलेक्ट्रॉन जब हम सेल लगाते हैं वायर में, तो इलेक्ट्रॉन जो दौड़ रहा है वो एटम से टकराता है, और जब भी कोई चीज दौड़ रही है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब वो टकराएगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी का कन्वर्जन भी होगा ना, तो वो टकराना रेजिस्टेंस है, उस कंसेप्ट को रेजिस्टेंस बोलते हैं, पर उससे तो कुछ हीट भी तो प्रोड्यूस होगा। जैसे एक बंदूक से गोली निकली है, वो जाके दीवार में टकराती है, वहां से धुआं निकलता है, क्यों, काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। यहां भी होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, ठीक है। तो
उसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस कंसेप्ट को कहते हैं कि करंट से वायर में करंट दौड़ाने से हीट जनरेट हो सकती है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन सेल लगाने से जब ये इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हिट करेंगे तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी इट विल बी कन्वर्टेड टू हीट, और इसलिए यहाँ पर वायर में क्या होता है जब हम सेल लगाएंगे तो हीट जनरेट यहाँ पर हो रही होगी, ठीक है, तो यहाँ पर हीट जनरेट हो रही होगी। तो वेन एवर इलेक्ट्रॉन्स आर हिटिंग, उल्टा दिखा दिया क्या, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स हिटिंग टू द एटम प्रोड्यूसिंग हीट, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी थी उसके अंदर जो हीट में कन्वर्ट हो रही है। सर क्या इसका कोई फॉर्मूला निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। हीट क्या है पहले समझो, हीट क्या है? सर हीट तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी इक्विवेलेंट टू वर्क होता है, ये पढ़ा होगा तुमने, दोनों की यूनिट भी सेम होती है जूल, एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना। तो यहां पर मेरे को अगर वर्क का फॉर्मूला पता है तो हीट का भी फॉर्मूला वही रहेगा। क्या हमने इस चैप्टर में वर्क का कोई फॉर्मूला पढ़ा है? यस पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, इसको इधर भेज दो, देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू वी इंटू क्यू हो गया। अब यही वर्क जो है एनर्जी है, और यही एनर्जी जो है यहाँ कौन से फॉर्म में आ रही है, हीट के फॉर्म में, तो मतलब मैं लिख दूंगा हीट इज इक्वल टू, देयरफॉर हीट इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। वाह वाह बधाई हो, पहला फॉर्मूला हमको मिल गया, हीट इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। इसी से माता रानी के तीन रूप यहां पर देखने को मिलेंगे, इसी से तीन फॉर्मूला यहां पर हीट का हमको देखने को मिलेगा। कौन सा तीन फॉर्मूला होगा सर? अगर इसी में मैं Q इज इक्वल टू आई टी पुट कर दूं तो सर ये कहां से आया? अरे भैया सिंस I इज इक्वल टू Q बाई टी है तो क्या मैं इसको इधर नहीं भेज सकता? Q इज इक्वल टू आई टी पुट कर दो, इसमें कितना आएगा V, और यहां पे आ जाएगा I और T, यानी हीट का एक और फॉर्मूला आ गया। सर क्या बात है, अगर वोल्टेज करंट और टाइम पता है तो हीट निकाला जा सकता है जूल में। क्या बात है सर, बढ़िया है, तो मजा आ गया। अच्छा एक और चीज कर सकते हैं यहां पे, इसी में इसी से निकालेंगे अभी, V इज इक्वल टू आई आर पुट कर दो, V इज इक्वल टू आई आर पुट कर दो तो हीट का क्या फॉर्मूला आएगा? देखो एक आई पहले से, एक आई और आ गया, क्या हो गया आई स्क्वायर, और ये आर है और ये टी है, तो आई स्क्वायर आर टी, यानी जब तुमको करंट और रेजिस्टेंस और टाइम दिया हो हीट ऐसे निकाल लोगे। सो ठीक है, मान लो मेरे को रेजिस्टेंस मतलब नहीं डालना वी इज इक्वल टू आई आर, तो वी इज इक्वल टू आई आर नहीं डालना, आई को सब्स्टिट्यूट करना है ना, आई इज इक्वल टू वी बाय आर कर दे भाई, अरे आई इज इक्वल टू वी बाय आर कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी और टी तो है ही, और आई की जगह पे क्या डाला तूने, वी बाय आर, वी इंटू वी क्या होता है वी स्क्वायर, तो ये हो गया वी स्क्वायर टी बाय आर, ये आ गया हीट का तीसरा फॉर्मूला। सर अगर सिर्फ वोल्टेज और चार्ज दिया है तो ये कर लूंगा, अगर चार्ज नहीं दिया, मुझे वोल्टेज करंट और टाइम दिया है तो हीट ऐसे निकाल लूंगा। अगर मुझे मान लो कि वोल्टेज नहीं दिया करंट रेजिस्टेंस और टाइम दिया है, तो आई स्क्वायर आर टी से निकल जाएगा, और मुझे करंट नहीं दिया है वोल्टेज रेजिस्टेंस और टाइम दिया है, तो वी स्क्वायर टी बाय आर से हीट निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें एक स्पेशल चीज मैं खाली मार्क करके रखता हूँ, ठीक है, स्पेशल चीज बोल रहा हूँ, कुछ काम तो होगा जरूर, है ना, नहीं तो ऐसे कोई स्पेशल किसी को थोड़ी बोलता है। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, क्या बात है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब ये जो चीज है ना, ये जो चीज है ना, आते हैं उस चीज के ऊपर यार, उसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, बस खाली यही याद रखो, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हीट जनरेटेड इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, द रेजिस्टेंस
ऑफ कंडक्टर एंड द टाइम फॉर विच द करंट इज पास, यही स्टेटमेंट है उसका। किसी भी कंडक्टर में करंट कितना हीट जनरेट हो रहा है यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताता है बाय दिस फॉर्मूला। द हीट जनरेट इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड टाइम फॉर विच द करंट इज पास्ट। ठीक है, तो ये क्या है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या है? वी इज इक्वल टू आई आर। जूल्स लॉ क्या है? एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जूल्स लॉ क्या है? एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ओम्स लॉ क्या है? वी इज इक्वल टू आई आर। बस इसे याद कर ले, सही है। अब यहां पर ध्यान देना, अगर मुझे ना कोई हीटिंग कॉइल बनानी है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर जो कॉइल होती है उसमें हीटिंग प्रोड्यूस होता है, हीटिंग कॉइल बनानी है मुझे, ठीक है? ठीक है सर, हीटिंग कॉइल मुझे बनानी है तो उसमें क्या चाहिए होगा? तो बहुत ध्यान से देखो, करंट ज़्यादा पास करना और टाइम ज़्यादा टाइम के लिए पास करना वो तो वेरिएबल चीज़ें हैं, है ना, वो तो हम अलग से सप्लाई, पर हीटिंग कॉइल के लिए हमको ध्यान देना है कि हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है कोलिजन से और कोलिजन रेजिस्टेंस ही है। तो हीटिंग कॉइल बनाने के लिए मुझे क्या मेक श्योर करना है कि जो कंडक्टर में यूज़ कर रहा हूँ, जो कॉइल में यूज़ कर रहा हूँ, उसकी रेजिस्टेंस हाई रहे, उसकी रेजिस्टेंस हाई रहे, ज़रा ध्यान देना। तो व्हेन आई से आई स्क्वायर आर टी, आई नो कि भाई हीट जो है डिपेंड कर रही है सीधे सीधे रेजिस्टेंस पे। और भैया ये बता, रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए सर। तो अगर आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए है तो क्या मैं ये चाहूँगा कि हीटिंग कॉइल हीट प्रोड्यूस करे? तो हीटिंग कॉइल बनाने के लिए, हीटिंग कॉइल बनाने के लिए मुझे हीट ज्यादा जनरेट करना है, उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी? तो हीटिंग कॉइल बनाने के लिए मुझे देखो ये रो ऊपर है जिससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, वो चीज आपको ध्यान से देखनी है। इससे क्या पता चल रहा है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बी, ऊपर ही है ना, एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि हीटिंग कॉइल बनाने के लिए मुझे हीट ज़्यादा रखनी थी, हीट ज़्यादा करने के लिए मुझे रेजिस्टेंस ज़्यादा करना था, और रेजिस्टेंस ज़्यादा करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा देखो यहाँ पर, बिकॉज द फॉर्मूला इज दिस। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा करने के लिए मुझे रेजिस्टिविटी हाई रखनी पड़ेगी ताकि हीट रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, लेंथ हाई रखना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रखना पड़ेगा, राइट, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए हीटिंग कॉइल लंबी वायर से ज़्यादा हीटिंग प्रोड्यूस होगी। तो लंबी वायर सर, इतना लंबा प्रेस बन जाएगा फिर, तो कॉइल कर लो, वायर को ऐसे ऐसे घुमा लो तो लेंथ ज़्यादा हो जाएगा कम एरिया में, और थिकनेस कम रखनी है, यानी पतली वायर को मैं अगर ऐसे 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 कर दूँ तो ज़्यादा लेंथ और कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसलिए हीटिंग कॉइल ऐसे बना होता है, ठीक है। और रेजिस्टिविटी, ये जो मटेरियल है ना, ये जनरली अलॉयज, मेटल का जो, मेटल से जो अलॉयज बनाए जाते हैं उसमें इम्प्योरिटी मिला के, जैसे नाइक्रोम निकल और क्रोमियम का अलॉय है, ठीक है। तो हीटिंग कॉइल बनाने के लिए अलॉयज यूज किए जाते हैं क्योंकि अलॉयज की रेजिस्टिविटी क्या होती है? हाई होती है कंपेयर टू मेटल्स, ठीक है। ज़्यादा लेंथ लेना इसलिए कॉइल कर दिया, थिकनेस कम चाहिए, एरिया ऑफ ये कम चाहिए, इससे ओवरऑल क्या होगा, जो कॉइल है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगी, हीट प्रोड्यूस कर पाएगा, हीटिंग कॉइल में हीट ही तो चाहिए, अचार थोड़ी डालना उसका, ठीक है। सो दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग सर, ठीक है। अपन ने हीटिंग, हाउ टू डिज़ाइन हीटिंग कॉइल, ये तो बता ही दिया, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से सारा सारा खेल से वापस से आ गया क्या? अब आते हैं हम कुछ एप्लीकेशंस पे, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मान लो इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब मान लो क्या है, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो बल्ब में जो फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट जो है ना, बस कुछ नहीं, पतला सा फिलामेंट है ताकि उसमें करंट पास हो, और ज़्यादा पतले से वायर में से करंट जब तुम पास करोगे, टेक्निकली जो हमारे घरों में जो करंट होता है वो 5 एम्पीयर का जब करंट जब पास कर रहे हो, इट इज़ अ हाई करंट फॉर दिस थिन वायर, वो वायर झेल नहीं पाएगा। अगर कोई दूसरा मेटल होता ना, मेल्ट हो जाता जगह पे, ठीक है,
दैट अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी यहाँ पे भैया, इतनी हीट प्रोड्यूस होगी, इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि हीट एनर्जी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा अपने आप को, और वो फिर लाइट के फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होने लगेगी. हीट विल स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड टू लाइट एनर्जी. होता यही है ना, कोई चीज़ गर्म हो जाती है एकदम, फिर वो लाइट फेंकने लगती है. तो बल्ब में भी ऐसे होता है कि सर यहाँ पर, अच्छा तो ये फिलामेंट है, फिलामेंट तो वही है ना यार, कॉइल ही तो है. पर एक चीज़ बता दूँ, ये फिलामेंट जो है ना, ये टंगस्टन का बना होता है. क्यों बना होता है ना, वो चीज़ें पता लगेगी. पर ये बल्ब लाइट क्यों फ्लो कर रहा है, पहले पता लग गया ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुई है, इतनी हीट प्रोड्यूस हुई है कि अब वो लाइट के फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होने लगी है. अब ये फिलामेंट जो है, ये टंगस्टन का बना होता है किसी खास रीज़न से. दिस इज मेड अप ऑफ टंगस्टन फॉर अ स्पेशल रीज़न. व्हाट इज दैट रीज़न? इसकी मेल्टिंग पॉइंट बेटा बहुत ज़्यादा रहती है, 3380 डिग्री सेल्सियस. किसी नॉर्मल मेटल की औकात नहीं है, मेल्ट हो जाएगा. नॉर्मल कोई मेटल रहेगा उतना पतला सा, वो भी बहुत पतला है, नॉर्मल मेटल तो ऐसे ही मेल्ट हो जाएगा. ये तो टंगस्टन है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई है. अच्छा सर, इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये तो उसमें रिएक्शन नहीं हो जाएगा, ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए इसके अंदर ये आर्गन या जो भी गैस भरा होता है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है वो. नहीं तो फिर वो बल्ब को तोड़ के देखो क्या होगा, पूरा फटाक से रिएक्शन हो जाएगा, राख बन जाएगा वो, फिलामेंट टूट जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब का, तो समझ आ गया. सर इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का क्या काम होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ देखा तो है ना, वो जो वाइट बॉक्स मीटर के बगल में रहता है, उसको खींचो निकल जाता है, लगा दो लाइट आ जाएगी, निकाल दिया लाइट चली गई. सो नहीं पता तो देख लो यहाँ पर कि भैया ये जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है, और इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ जो है काफ़ी, मतलब एक प्रोटेक्शन का यूज़ है. मान लो बरसात का मौसम है और बारिश के तो समय वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, तो मान लो वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रही है, अचानक से हाई वोल्टेज आया और अचानक से हमारे घरों में जो फ्रिज था वो ख़राब हो गया, क्योंकि हाई वोल्टेज आया, हाई करंट से हमारा कंपोनेंट ख़राब हो गया. तो इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है? इसको बचाने के लिए ही इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या करता है ऐसा सर, कि वो हाई वोल्टेज को कैसे रोक पाता है? वो रोक नहीं पाता, वो ना सर्किट ब्रेक कर देता है. तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में ना यहाँ पर ये लीड की वायर लगी रहती है, और लीड की मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम रहती है. ऐसा मेटल है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट कम रहती है, तो वायर की थिकनेस उतनी ही है ना, थिकनेस उतना रखा गया है कि भैया तू बर्दाश्त कर सके, ये जो 220 वोल्ट है ना, इसको तू बर्दाश्त कर सके. 220 वोल्ट हमारे घरों में आता है, 220, 240, 260. तो ज़्यादा वोल्टेज एकदम से आ गया, मान लो 310 या 400 वोल्ट, ज़्यादा वोल्ट अगर आ गया तो उस टाइम पे तेरा काम क्या होना चाहिए? हाई वोल्ट का मतलब हाई करंट आया, हाई करंट आया तो भैया तेरे में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो तू वैसे भी मेल्ट हो जाएगा, तू टेंशन ना ले, तेरे को कुछ करना नहीं है, तू बस उधर रुक. मतलब मान लो कि यहाँ पर फ्यूज़ लगा है, तो यानी इतना वायर जो है, बाकी सब कॉपर का वायर है, सिर्फ इतना वायर लीड का है, तो जैसे ही हाई करंट आएगा, हाई करंट से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ये वायर ब्रेक हो जाएगा, सर्किट मेल्ट हो, ये वाला मेल्ट हो जाएगा, सर्किट विल बी नॉट कम्प्लीटिंग. सर्किट कम्प्लीट नहीं होगा तो ऑफकोर्स यहाँ पे कोई भी जो करंट है आगे नहीं जा पाएगा. तो फ्यूज़ जो है वो एक प्रोटेक्टिव मेजर की तरह, अब तो MCBUs यूज़ होते हैं, पर ये वाली चीज़, ये वायर मेल्ट होने से काम हो रहा है. सो लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लीड ने यहाँ पर हेल्प किया है, ठीक है. तो ये सर्किट ब्रेकर की तरह यहाँ पर काम कर रहा है. आगे हम अगर देखें, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हो गया सर, आपने बल्ब बता दिया, अभी इलेक्ट्रिक आयरन की बात करते हैं. तो इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है, जो प्रेस होता है भाई, कपड़े प्रेस करता है ये, पर यहाँ पर एक दिक्कत क्या है, मतलब देखो हीटिंग कॉइल हीट प्रोड्यूस कर रहा है और ये मेटल ब्लॉक को दे रहा है और फिर ये कपड़े प्रेस कर रहा है, ठीक है. पर प्रॉब्लम ये है बेटा कि अगर ये कॉइल सीधे मेटल ब्लॉक से कनेक्टेड होगा तो हीट तो देगा, साथ में ये करंट भी दे देगा. तो कभी गलती से इसको टच किया तो करंट मारना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता. टच मत करना, किसी का डिवाइस खराब रहेगा तो करंट मार भी देगा. तो करंट इसलिए नहीं मारता क्योंकि जो कॉइल है
उसके ऊपर और नीचे ऐसी लेमिनेशन वाली सीट शीट लगी होती है। इसका काम होता है कि बेटा तू हीट तो ट्रांसफर करेगा पर करंट नहीं करेगा, नहीं तो चटका तो लगेगा ही झटका भी लगेगा। सो ऐसा कोई मटेरियल वैसे नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता। जो भी चीज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। पर इंसान है, हमने ढूंढ लिया, दिस इज माइका का शीट है ये, ठीक है, ये जो है माइका के बना हुआ है। और माइका ऐसा मटेरियल होता है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो होता है बट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो हीट को ये ट्रांसफर कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी को रोक लेता है, काम हो गया। सो दिस इज हाउ द करंट इज प्रोटेक्टेड टू गो इनटू द मेटल ब्लॉक, ठीक है। अब यहां पर एक आखिरी कंसेप्ट चैप्टर का बचा हुआ है, उसके बाद हम फॉर्मूला देख लेंगे और सर्किट सिंबल जो है देख लेंगे। सो पावर, इलेक्ट्रिक पावर, दिस इज नॉट जस्ट अ पावर, इलेक्ट्रिक पावर है ये। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है भैया, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर होता है, पावर का फॉर्मूला तो वही है बेटा, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। डिफाइन कैसे करेंगे, रेट एट विच वर्क इज डन, पावर इज रेट एट विच वर्क इज डन या वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, सही बात है, पावर इज इक्वल डब्ल्यू बाई टी। अब ये बताओ कि W का तुमने बहुत सारा फॉर्मूला कर लिया बेटा, W को तुमने वी क्यू बोल दिया, W को तुमने है ना H का निकाला था ना, आई स्क्वायर आर टी बोला, और क्या बोला था, वी आई टी बोला था, और क्या बोला था, वी स्क्वायर टी बाय आर बोला था। तो ये सब वर्क का था ना, अभी सब में डिवाइड बाय टाइम लगाओ क्योंकि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये तो खाली वर्क लिखा है तुमने, तो सब में डिवाइड बाय टाइम लगेगा, सब में डिवाइड बाय टाइम लगेगा तब जाके पावर का फॉर्मूला मिलेगा ना, ऐसे थोड़ी मिलेगा। देखो यहां तो एग्जिस्ट करेगा ये, पावर इज इक्वल टू वी, और ये क्यू बाय टी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू वी आई ना, अरे ठीक है, या फिलहाल यहां पर वी क्यू बाय टी रख दो, इधर क्या होगा, टी कैंसिल हो गया, तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी है, यहां पर भी टी कैंसिल हो गया, पावर इज इक्वल टू वी आई भी है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, वैसे सभी यूज होते हैं, टी कैंसिल हो गया, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर भी है। पावर के फॉर्मूलाज आ गए भैया, कितने फॉर्मूला आ गए यार, अब तो याद कराना ही पड़ेगा आपको, कर लेंगे अपन, लिख देंगे एक साथ बाद में, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात, इलेक्ट्रिक की बात हो रही है, हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है उसकी बात ना हो तो कैसे चलेगा। तो बिजली का बिल आता है डिपेंडिंग ऑन कि हमने कितना यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया। सो व्हाट इज दिस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज टर्म्ड एज यूनिट, उसको यूनिट ही बोलते हैं, किलोवाट आर, असल में वो किलोवाट आर है। सो द कमर्शियल यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक एनर्जी, द कमर्शियल यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको यूनिट भी कहते हैं या फिर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड किलोवाट आर। सर क्या बात कर रहे हो आप, किलोवाट कहां से आ गया, पावर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर की यूनिट होती है वाट, और पावर का कुछ कमर्शियल यूनिट्स भी है, कमर्शियल यूनिट है किलोवाट, और पावर का किलो कमर्शियल यूनिट हॉर्स पावर भी है, 1 किलोवाट इज 1000 वाट पड़ा होगा, 1 हॉर्स पावर इज 746 वाट। तो अभी हम किलोवाट की बात कर रहे हैं, किलोवाट तो सर पावर का यूनिट है, आप बता रहे हो एनर्जी का यूनिट है, आप बता रहे हो एनर्जी का यूनिट है, मैं किलोवाट आर लिख रहा हूँ, ये कैसे एनर्जी का यूनिट हुआ। मान लो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, अब इसको इधर ले लो तो एनर्जी क्या हो गया, पावर इनटू टाइम। अगर इसी में पावर को मैंने किलोवाट में लिख दिया और टाइम को मैंने आर में लिख दिया तो एनर्जी की यूनिट हो गई ना किलोवाट आर, ठीक है।
किलोवाट आर इज यूनिट टू मेजर, कमर्शियल यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो 1 किलोवाट आर कितना जूल होता है वो जरा जान लो अभी. 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू, सबको एसआई सिस्टम में कर लो, इज इक्वल टू 1 किलोवाट कितना हो गया, 1000 वाट हो गया. एक घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 × 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है. तो कितने वाट सेकेंड्स हो गए ये, 6 × 6 = 36, 1, 2, 3, 4, 5, 10^5 या फिर 3.6 × 10^6 वाट सेकेंड, और वाट सेकेंड इज नथिंग बट जूल. तो ये हो गया तुम्हारा 1 किलोवाट आर या 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 × 10^6 जूल. कमर्शियल यूनिट है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेजर करने का, इसी को हम यूनिट भी कहते हैं. तो तुमने कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी घरों में कंज्यूम किया है, कितना यूनिट है, 100 यूनिट आया इस बार, 200 यूनिट आया, ज़्यादा यूज़ कर लिया, 500 आया. तो यूनिट मतलब इतना तुम, एक यूनिट इतना जूल है. तो तुमने अगर 500 किया है तो × 500 सोचो कितना है एनर्जी कंज्यूम करा है, ठीक है. ये हो गया. अब ये चीज़ आ गई, हमने इसको यूज़ करके एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, करना तो सही है भाई. एक घर है और इस घर में 2 पंखे लगे हैं, ठीक है, 3 लाइट्स लगी हैं और 1 टीवी है, ठीक है. मान लो एक पंखा का पावर है, मान लो वो 50 वाट का है, एक लाइट का पावर है 25 वाट का, और एक टीवी का पावर है मान लो अगेन 50 वाट का या 25 वाट का, ठीक है. सपोज दिस इज 25 अगेन. तो अभी अगर मैं देखूं तो ये पावर रेटिंग दिया है, हाँ दिस इज पावर रेटिंग, कोई भी कंपोनेंट पे लिखा होता है पावर रेटिंग, सही बात है. और ये बोला है कि भैया ये ना पर डे 10 घंटे बंदा चलाता है, और इसने पूरा 1 महीना चलाया, 30 डेज इसने ऑपरेट किया है. इस बंदे ने अपने घर में 30 दिन तक एनर्जी कंज्यूम करी है, ठीक है. अगर इलेक्ट्रिसिटी बिजली विभाग ने जो रेट तय किया है वो तय किया है 10 रुपया प्रति यूनिट, तो इसका बिजली का बिल कितना आएगा, बिल अमाउंट क्या होगा, जरा बताइए बताइए, अपने घर में कैलकुलेट करना है इसे. तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, सिर्फ यही फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. टोटल पावर निकाल लो पहले, एक पंखे का 50 है, 2 पंखे का कितना हुआ 100 वाट, एक लाइट का 25 है, 2 लाइट का कितना, 3 लाइट का कितना हुआ 75 वाट, एक टीवी का है 25, कितना हो गया टोटल 200 वाट, टोटल 200 वाट, ये हो गया तुम्हारा टोटल पावर. टोटल टाइम कितना है 10 घंटा एक दिन में, 30 दिन है तो यानी 300 घंटे हो गए, 300 आर हो गए, ये टोटल टाइम हो गया. डाल दे बेटा यहाँ पे, पर याद रहे ये तुमको पर यूनिट किलोवाट आर में दिया हुआ है, तो तुमको इसको भी किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000 यानी 0.2 किलोवाट. पावर इज इक्वल टू, दिस इज 0.2 × 300, कितना हो गया 60 यूनिट या 60 किलोवाट आर, ये तुम्हारा टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड हो गया. अब 60 किलोवाट आर है एक यूनिट का, 1 किलोवाट आर का 10 रुपया है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो, कितना हो गया 600 रुपया बिल आया है बेटा, जाके भर देना, ठीक है. तो दिस इज हाउ ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं. अब चलते हैं आगे, और कुछ सिंपल सर्किट सिंपल जो हमने पढ़े हैं, देखो ये सिंपल कनेक्टिंग सर्किट है, ये कनेक्टिंग वायर, या सिंपली मैं बोल देता हूँ वायर. अगर वायर में ऐसे कोई जॉइंट है, मतलब ऐसे वायर है उसमें कुछ ज्वाइन किया हुआ है, तो वायर ज्वाइन, ज्वाइन नहीं है, मान लो ऐसे साइड से आ रहा था तो वायर क्रॉसिंग,
ज्वाइन नहीं किया तो वायर क्रॉसिंग, ठीक है। इसके अलावा व्हाट इज दिस, भैया ये एक सिंगल है तो सेल कहेंगे, एक से ज़्यादा प्रॉपर अरेंजमेंट है, प्लस के सामने माइनस, फिर प्लस के सामने माइनस, ठीक है। एक साइड प्लस तो दूसरी साइड माइनस होना चाहिए, और हर बड़े डंडे के पास छोटा डंडा ऐसा होना चाहिए। कितने सेल लगे, यहाँ दो सेल लगे, वन, जितने गैप रहेंगे उतने सेल। सो दिस इज सेल का कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, बैटरी, बराबर है। दिस इज योर एमीटर, ये रहा वोल्ट मीटर, ये रहा गैल्वेनोमीटर, ये रहा बल्ब, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं, तुम लिख लोगे। दिस इज द रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, बल्ब, रेजिस्टेंस, और मैंने तुमको रेजिस्टेंस इन वेरिएबल रेजिस्टेंस का भी तुमको मैंने बताया था, कैसे इसमें एक क्रॉस दिखा दिया ऐसे, वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। दिस इज योर, ये टैब की है, ये ओपन टैब की, और इसको इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, जैसे इसको ज्वाइन कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो ये करंट फ्लो करना चालू कर देगा। एक होता है प्लग की, प्लग की में ये ओपन प्लग की, और अगर उसमें हमने की इंसर्ट कर दिया तो ये हो जाए क्लोज प्लग की। इस वाले केस में करंट फ्लो होता है, इस वाले में करंट नहीं फ्लो करता, ओपन में कहाँ से फ्लो करेगा, ठीक है। ये हो गया, सारे फॉर्मूला को इकट्ठा कर लें। सर कितना फॉर्मूलाज हो गया, कैसा इकट्ठा होएगा? अरे आराम से हो जाएगा। स्टार्टेड विथ, हमने कहाँ से शुरू किया था कहानी? सर हमने कहानी शुरू किया था क्यू इज इक्वल टू एन ई से, फिर आप आए थे कि भाई करंट बताएंगे, फिर चार्ज बाय टाइम बोला था, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस पे आए तो अपने वर्क बाय चार्ज बोल दिया, उसके बाद में हम ओम्स लॉ पढ़े तो वी इज इक्वल टू आई आर कह दिए, उसके बाद में आ गए फिर रेजिस्टेंस के अंदर तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए कह दिए, फिर सीरीज वाला फॉर्मूला दिए कि आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस सो ऑन चलेगा, फिर पैरेलल का बताए थे कि वन बाय आर पी, हम समझे कि इधर ख़त्म हो जाएगा, वन बाय आर पी इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री एंड सो ऑन, लेकिन आप फिर से हीट का लेके आ गए कि भाई हाँ हीट बढ़ा देंगे तो काम हो जाएगा। हीट में आपने बोला कि डब्ल्यू क्यू वी क्यू है तो हम बोले ठीक है, उसके बाद ने बोले कि वी आई टी है तो हम बोले वहाँ भी ठीक है, उसके बाद बोले कि वी स्क्वायर टी बाय आर है तो हम बोले वो भी ठीक है, फिर बोल दिया आई स्क्वायर आर टी तो हम बोले यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, फिर इसी से हमने पावर का भी फॉर्मूला निकाला, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इन टू टाइम बोलते थे, फिर पावर का फॉर्मूला में आपने बोला कि हाँ सब में अपॉन टाइम कर दो, तो सब में अपॉन टाइम किए तो यहाँ टाइम कैंसिल होता गया, इधर वी आई वी स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय आर और ये आई स्क्वायर आर, ये सब पावर का फॉर्मूला है। इसी के साथ चैप्टर की होती है तमामी, और बच्चों न्यूमेरिकल हम अलग से भी करेंगे, और वैसे भी न्यूमेरिकल बहुत सारे करे हुए हैं, क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल एडियो मंत्रा डालोगे बहुत सारे मिलेंगे, और अभी भी हम आगे करने वाले, सिर्फ नीचे कमेंट करके बताना कौन सी चीज़ें और आगे चाहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, आई होप कुछ तकनीकी खराबी ना आई हो। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।